हाँ भैया भैया वेलकम टू अदर होप आप लोग जाओ खैर से होंगे आई एम पॉसिबली ऑन माई एलेवेंथ डे सिंस आई है फ्राम यू एस और मैं अभी तक जेट लैग में हूँ मैं शाम छः बजे सो जाता हूँ रात ग्यारह बजे उठता हूँ फिर पूरी रात जागता हूँ फिर चार बजे सोता हूँ आठ बजे उठ जाता हूँ एयर इज़ सो मेस्ट अप और द आइडिया ऑफ मी कमिंग बैक अगेन फॉर अ शॉर्ट ट्रिप क्योंकि अभी वर्ल्ड कप में दोबारा जाना है वो ये था कि मुझे अगले दो महीने जो मैं यहाँ नहीं हूँ मोस्ट लाइकली तो मैंने उसका शूट करना था बहुत सारा बट मेरी टाइम ही सेट नहीं हो पा रहा एंड इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग ऊपर से इतनी गर्मी क्या आई क्यू टेल यू हम आउटडोर शूट्स कर ही नहीं पा रहे इवन हालांकि कराची में मग़रब के बाद बड़ा हवा हो जाती है बट लेटली इट्स इट्स वेरी हॉर्बल मुझे वो दो शूट्स करने हैं रोड शो वाले पीपल लाइक इट अलॉट एंड आई एन्जॉय देम टू लोगों से बातचीत करना सड़क पर रैंडम अजीब अजीब कैरेक्टर मिलते हैं सो आई बिन मीनिंग टू डू टू एपिसोड्स वन अराउंड द वर्ल्ड कप विच इज़ लाइक लिटरली देर एंड वन अराउंड बकरा ईद विच इज़ आल्सो

एंड दैट टीचेज़ यू कि मीडिया कितना फ़ेक है और ये सिर्फ सनसनी खेज यानी कि ये सेंसेशनलिज्म पे चलता है एंड दे टोल्ड अस लाइक पचास साल पहले ऑलमोस्ट फोर्टी सेवन ईयर्स एगो द नेटवर्क ज़रूर देखिएगा तो आ, उसके बाद से मैंने मीडिया पर ट्रस्ट करना जो ट्रेडिशनल मीडिया है ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया खैर उसके अलावा मिड डे की बहुत सारी फिल्में हैं स्कोरसेजी की फिल्में मैंने नहीं बताई जॉनी डेब की फ़िल्में मैंने नहीं बतें और भी बहुत सारे रह गए थे बट खैर फिर कभी कभी कोई फॉलो अप क्वेश्चन हुआ मूवीज से रिलेटेड तो विल कवर दैट बाकी एज आई टोल्ड यू वर्ल्ड कप इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर आई विल बी गोइंग अगेन ये मैं जहाज़ों में ही रह होके हो रह गया हूँ दिस वुड बी माई थर्ड यू एस ट्रिप इन सेवन वीक्स इतना लोग गुलशन नहीं जाते जितना मैं अमरीका जा रहा हूँ चले माई मॉम रियली लाइक्स द फैक्ट कि मेरी ज़िंदगी में सफ़र बहुत है तो बट शी ऑल्सो एक्नोलॉज कि पहले अंग्रेज़ी वाला सफ़र रहा है बहुत सारा एंड नाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट अलहमदिल्ला आई यूज टू एस्पायर माई माई लेट मामू ही यूज़ टू ट्रैवल लॉट उनकी हमेशा जितनी भी उन्होंने नौकरियाँ की हैं वो ट्रैवल रिलेटेड ही थी हालाँकि ट्रैवल इंडस्ट्री से उनका कोई ताल्लुक नहीं था इट्स मई अनदर मामू हु वर्कस इन द ट्रैवल इंडस्ट्री और वो दुनिया में कहीं नहीं गए पूरी दुनिया को हज उमरे पर भेजते हैं आज तक खुद नहीं गए आई डोंट नो वाई एनी anyway, सो so वो जो मैं बड़े मामूल हुई इसमें ही रेस्ट इन पीस ही वाज इन मर्चेंट नेवी फर्स्ट और मर्चेंट नेवी की वजह से वो साइबेरिया भी गए हैं अर्जेंटीना गए हैं ऑल द वे ब्राज़ील गए हैं ही इज़ बिन एवरीवेयर एक्सेप्ट द यूके और सिंगापुर मलेशिया तो वो खैर पैंतीस बार गए थे बट डेट वॉज इन अनदर जॉब वो फिर गारमेंट्स की एक कंपनी uh, में थे एंड ही वॉज अ सेल्स पर्सन and he would go to different exhibitions he would get me a lot of things from frankfurt to wo pata nahi 50 bar gaye the so yeah bahut travel kiya unhone bhi seychelles jaate the mauritius jaate the south africa he he spent a lot of time there middle east to khair bahut hi gaye the so so i'll be going aur pakistan ke jo matches hain pehla dallas mein hai us ke sath i'll be going there फिर दूसरा न्यूयॉर्क में है तीसरा न्यूयॉर्क में ही कनाडा के साथ है दूसरा York में India के साथ है तीसरा Canada and then 16 fort lauderdale, which is florida. so i'll be in florida, inshallah, as well. my first time. meha, to texas, Texas. but this bar florida, we explore Florida. so that's the plan for now. and then, of course, uh, july is always with family. so we'll decide. okay, jana, okay, where we can meet up as well. i've been meaning to go to estonia again. i really liked it. i hope, i wish to take my family along. Let's see if that works out. Uh, I might have a show in one of the Scandinavian uh, countries. I might also visit another Scandinavian country. Again, uh, it's all blurry for now, so I'm, I'm not gonna name them. Or I'm not. I'm not, uh, I'm not sure if it But let's see. Plans are both Canada is also in the horizon in July. You never know. Anyway, so thank you so much for all the lovely feedback and all the subscriptions. Finally, we've touched 140k. और सब्सक्राइब uh, करना नहीं भूलिएगा एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन पेट्रियन डॉट कॉम स्लैश की स्वैट सर चलते हैं पहले सवाल पे जो कि आया है पड़ोस देश से निबाज लव निबीज़ ये टाइटल है हाई सर गुड डे टू यू बिफोर स्टार्टिंग माई मेल आई जस्ट वॉन से हेयरिंग योर वॉइस इज़ अ ब्लेस यू शुड हैव बिन इन आर जे इन रेडियो मिर्ची माई अर्ली मॉर्निंग कैब राइड्स टू माई ऑफिस वुड हैव बिन बेटर अच्छा स्पीकिंग ऑफ आर जे I've been want I had been wanting to do a lot of things before I ended up doing this. मुझे रेडियो आर uh, जे बनने का बहुत शौक़ था वो इसलिए कि एफ एम हंड्रेड या वन ओ वन जो हम सुनते थे उसमें मैं सोचता था यार लो ये लोग ये वाला गाना क्यों नहीं चलाते या ये वाला आर्टिस्ट क्यों नहीं चलाते तो मैं हूँगा तो मैं सिल्वर चेयर भी चलाऊँगा और मैं यू नो स्टेंड के गाने भी लगाऊँगा ये लोग तो लगाते ही नहीं है या डिस्टर्ब के गाने क्यों नहीं लगाते हैवी टाइप तो फिर बाद में मुझे पता चला कि इट्स नॉट अप टू दी आर्जे कि आज ये गाना चलेगा आई थिंक इट हैज़ टू डू विद फैक्ट कि उनके पास राइट्स किस किस चीज़ के हैं वो किसी के हर किसी के गाना नहीं चला सकते सो दे हैव टू ऑपटेन राइट्स के भई हम यहाँ ये चलाएँगे uh, पहले मुझे लगता था कि उनके पास बहुत सारी सीडियाँ होंगी सी सी डीज़ सीडियाँ ये हम ऐसे ही बोलते हैं पेप्सियाँ मंगा लो सो so बहुत सारी सी होंगी और वो दीवार से निकाल के चलो आज डेफ लेपर्ड लगा लेते हैं चलो आज जो है आलमगीर का गाना लगा लेते हैं ऐसे नहीं होता एनी वे सोया फिर जब पता चला कि आपकी मर्जी नहीं होती मैं अला खली व्यवनी बनना मुझे सर आई वॉज बॉन एंड ब्रॉट अप इन न्यू डेली वर्किंग हैदराबाद तेलंगाना इन आर एंड डी विंग ऑफ अ ड्रोन कंपनी आई एम एन एरोस्पेस इंजीनियर नाइस इट्स बिन अ फ्यू मंथ सिंस आईव मूव्ड अच्छा पहले यार ये बताए कमेंट्स में इंडिया वाले कि अगर कोई बाहर मुल्क से बड़ा वाला ड्रोन लेकर आए सो व्हाट्स द पॉलिसी क्या आपकी कस्टम्स uh, जो है uh, या मिलिट्री अलाउ करती है लाइक आई एम नॉट टॉकिंग लाइक मिलिट्री ग्रेड वाला ड्रोन के जिसमें आप आ, लेजर मार के किसी को जला दो आई एम टॉकिंग अबाउट जो शूट्स के लिए यूज होता है जो थोड़ा बड़े साइज का होता है एक तो मेविक होता है जो मेरे पास भी हो तो छोटा सा वो तो पॉकेट में भी रख के आ जाता है कार्गो पैंट्स में मगर अगर जो थोड़ा सा बड़ा हो मैं पता नहीं इसका मॉडल का नाम क्या है सो so, उस इसमें पॉलिसी क्या है बिकॉज हमारे बहुत अच्छे फेवरेट यूट्यूबर हैं उनका ड्रोन पिछले छः साल से मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़द में है कि जी सर ये तो आ ही नहीं सकता पाकिस्तान में पता नहीं उसकी ज़द में उसकी मद में आके हम क्या क्या करना चाहेंगे एनी वे सो या सो व्हाट्स अ पॉलिसी इन इंडिया आई वुड रियली लाइक टू नो एंड ऑल्सो व्हाट इज़ योर पॉलिसी अबाउट थ्री डी प्रिंटर्स क्या थ्री डी प्रिंटर्स आराम से इम्पोर्ट कर लेते हो आप लोग या आपको भी ये बोलते कि जी बच्चे पिस्तौल बना के मार लेंगे लोगों को तो नहीं आ सकता i've moved to hyderabad since i moved to hyderabad so i went to a lot of uh, sightseeing uh, of one of the most beautiful historic city of india sir while i love the culture and food biryani which is better than karachi sir please don't say something you haven't tried karachi beats every city by all odds by all measures something really put me off a historic fort which isn't very well known had scribbles done all over it it was a typical Rajulav of sima jokesh लोकेश एंड अशोक आर बी एफ एफ फॉर लाइफ आई डोंट नो हाउ प्रेवलेंट दिस प्रॉब्लम इज़ इन पाकिस्तान बट वाई डू वी डू दिस इट्स प्रेटी प्रेवलेंट टू द पॉइंट कि अगर आप मीनारे पाकिस्तान जाएँ uh, तो वहाँ पर भी विच इज़ इन लाहौर तो उस पर भी यही लिखा हुआ है यू नो आई लव यू वगैरह वगैरह तो और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी में भी इवन इन माई स्कूल अगर किसी टीचर से आपको नाराज़गी या झगड़ा है तो फिर लोग बच्चे जो है ना बाथरूम में जा लिखते थे कि मिस सीमा का सर फलाने से चक्कर है यू नो कुछ भी लिख देते थे, थे, थे इस तरह का तो या फिर ये कि वो बूबीज़ बना दिए डब्ल्यू बना के निपल्स बना दिए बूबीज बन गए तो ये है बाथरूम में अच्छा लोग जो लिखते हैं आ, लड़की का नंबर या लड़कियों के लिए जो लोग नंबर लिखते हैं वो मी इरफान और नंबर कौन सी लड़की आएगी वो मेंस टॉयलेट में मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया वो लिखते किसके लिए आते हैं वो क्लाजेटेड गेज होते हैं क्योंकि तो वहाँ तो मर्दों नहीं आना है जो मेन का सेक्शन है वहाँ पर लड़की थोड़ी आएगी साइमा थोड़ी आएगी वहाँ पर पढ़ने के अच्छा इरफान एंड लाइक ओके फॉर एग्जाम्पल यूनिसेक्स है बाथरूम राइट या बाय वट एवर टर्न ऑफ इवेंट साइमा उसमें आ भी गई एंड साइमा इज़ देयर टू डू हर बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक टॉयलेट्स आर आर यक राइट दुनिया भर में तो लोगों का होता है मैं जान छोड़ना चाहूँ कौन होता है कि वो दीवार पे पर अच्छा इरफान एंड देन दे like, दैन थिंक लाइक कि अच्छा इरफान होगा कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर होगा और वो इतना सक्सेसफुल होगा येट सच अ लूजर के बाथरूम में नंबर लिखे गया है व्हाट्स अ सक्सेस रेट ऑफ दिस अपना नंबर जो लोग छोड़ के चले जाते हैं कितनी कॉल्स आती हैं आई रियली वॉन्ट नो एक काम करते हैं मैं अपने नंबर लिख देता हूँ किसी और नाम से एंड सी के कहाँ कहाँ से कॉल्स आती हैं लेट्स डू दैट सो या इट्स अ वेरी प्रेविलेंट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज वेल I've been to almost every country of Western Europe and have been to various castles and forts, but there wasn't a single one with any caricature bullshit scribbled on them. It's not like Europe doesn't have a local population which is uneducated, yet, they'll either graffiti in a designated place or at least they'll not do it on something of historic value. Another thing I have noticed throughout India is we have beautiful indoors of our houses, but we fail as a collective society. Not one part of India is aesthetically pleasing. Everyone is painting on their own canvas, planting their own trees, using different tiles on their footpaths, and you can never find people parking in the same direction as the road. We should be thankful to our ancestors who built beautiful monuments and temples, mosques, gurdwaras, that we eat goodwill of. And earn billions in tourism. But since 1947, we haven't built much which is aesthetically and visually artistic. Even when it comes to a skyline, a lot of high-rise building uh, up in major part every major city of India, but they aren't planned in sync and every building is telling its own story. Why do our brains not work in that direction? Why can't our billboards be the next Times Square. Why can't our high-rise be like Dubai or Manhattan? Why can't we make modern generation icons like Opera House or Burj Khalifa or the Shard in London? Iconic in Nampe, we have Travesti, which is anti Antilla, which is the most ugliest thing uh, ever, and of course, it is made by a class classless rich Gujju. आई लुक फॉर टू योर टेक on दिस थैंक्स and बेस बेस्ट विचेस सो काफ़ी सारी बातें हुई हैं इसमें सो so, एक एक करके आते हैं पहले तो वही ग्रफिटी वाली बात जो आपने कही कि हर जगह होती है आई थिंक इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और आपने जो बात की कि वेस्टर्न यूरोप में आपको नहीं मिलती और यहाँ मिलती देखिए मुझे मेरा जो ये मानना है वो ये कि हम एक बड़ी घुटी हुई सोसाइटी हैं एंड देन हर चीज़ पे नोक झोंक है ऐसे नहीं करो ये नहीं करो वो नहीं करो हम बच्चों को हमेशा मैं कहता हूँ दो साल तक बोलना सिखाते हैं फिर सारे दिन कहते चुप करके बैठो बोलना नहीं है बड़ों के आगे नहीं बोलना वेयर एज इन द वेस्ट या वेस्टर्न यूरोप की अगर आप बात करें तो वहाँ पर बच्चों को काफ़ी लिबर्टी है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन नॉट इन ओनली टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच बट ऑल्सो फ्रीडम ऑफ डूइंग वट दे वॉन्ट टू डू सो जब आपके पास इतना फ्रीडम होता है ना तो फिर आपको ये बाथरूम गंदा करने की ज़रूरत नहीं होती है ये चीज़ें की नहीं होती फिर आप चीज़ें कर रहे होते फिर आपको दीवार पर नहीं बताने का, I love साइमा, आप साइमा के आई लव सैमा आप सैमा के मुँह पर बोल रहे होते हो रैन लाइक देर इज नो रुकावट कोई आ, क्या इंडियन फिल्मों में क्या बोलते थे समाज की आ, बंदिश नहीं होती फिर आप आराम से फ्रीली ऑपरेट करते सोसाइटी में तो वो जो बन सोसाइटी होती हैं जो फिंगर पॉइंटिंग करती हैं एक दूसरे के ऊपर तो वहाँ पे फिर जो है ना दिल में बड़ा गुबार होता है जिसको ज्वालामुखी जिसको आप कहते हो फिर वो कहीं कही ना कहीं फटता है तो किसी दीवार पे फटता है या किसी मॉन्यूमेंट में जाके फटता है अब आप इसकी बात कर रहे हैं मुझे दो चीज़ें बड़े अच्छी तरह याद हैं एक तो जब ये गो नवाज गो जब ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू हुआ था दो हज़ार में तो आई सॉ दिस एंड आई डोंट नो अब तो खैर नहीं होगा बिकॉज शारजा इज़ प्रटी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस थिंग्स बट शारजा में एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक ग्रेव यार्ड है जो लोग वहाँ रहते हैं दे वुड नो तो वहाँ पे ग्रेव यार्ड की वॉल नीचे तक है यू कैन एक्चुअली सी अगर आप थोड़ा हाई उसमें पिकअप ट्रक में बैठे तो यू कैन ऑलसो सी द ग्रेव्स एज योर ड्राइविंग राइट तो वहाँ पर जब उसकी बाउंड्री वॉल ख़त्म हो रही है सो एक कार शोरूम है या पता नहीं समथिंग ऑफ द अदर तो एक बिल्डिंग है छोटा सा सेम सिंगल स्टोरी तो उसकी दीवार जो है वो लगती है उसके तरफ कब्रस्तान की तरफ़ सो so, क्लियरली किसी ने कब्रस्तान पे खड़े होके स्प्रे पेंट किया गो नवाज़ को एंड इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग टू डू ठीक है अगेन हम लोग पॉलिटिक्स के ऊपर आके इतने अंधे हो जाते हैं कि हम मौका महल नहीं देखते कि कहाँ पे क्या बात करनी है कहाँ पे क्या चीज़ नहीं करनी सेम फॉर जैसे आ, आ, मक्का में गार हरा तो वहाँ पर भी लोगों ने जाके आई लव पी टी आई इमरान ख़ान जिंदाबाद सो so, लोग नहीं देखते कि यार यहाँ पे ये चीज़ें करने को नहीं हैं अगेन uh, uh, हमने देखा था मस्जिद नबी में सेम uh, uh, जो uh, जो पीटीआई के फैंस थे उन्होंने किस तरह नारेबाजी की इट्स अ होली साइड प्रॉफिट की जो है नाम पे वो मस्जिद है उनका घर वहाँ हुआ करता था इट्स वो मुसलमानों के लिए बहुत uh, बहुत सीक्रेट जगह और सबके लिए बहुत सीक्रेट जगह है तो बट लेकिन वहाँ पे भी लोग जो है ना नारेबाज़ी कर रहे थे सो so, लोग नहीं रियलाइज़ करते अगेन बात वही है कि जब एक्सप्रेशन पे ताले लगे हों तो फिर कहीं ना कहीं वो फटता है और जब फटता है फिर वो देखते नहीं कि यार यहाँ करना है यहाँ नहीं करना या ये चीज़ लिखनी नहीं अब जो ग्राफिटी की आपने बात की आई हैव मैंशन इट सो मेनी टाइम्स के इन माई ऑन माई ट्रिप टू वियना मैंने वहाँ पे एक देखा था और मैंने काफ़ी वीडियोस में मेंशन भी किया है कि एक ग्राफिटी आर्टिस्ट ही था हु वांटेड टू वर्क फॉर द फॉर द बेटरमेंट ऑफ यूथ और वो यूथ नशों में ना लगे तो उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई एंड देन दिस डेजिग्नेटेड एरिया जहाँ बच्चों को फ्री पेड दिया जाता है और वो टीन होते हैं और वो आके ग्रफीटी रोज़ बनाते हैं फिर वो रोज़ को साफ करते हैं, फिर वो रोज आके बनाते हैं वहाँ पे स्केट बोर्ड uh, का पूरा वो भी था द होल एरिया वेयर पीपल स्केट यही चीज़ अगर आप लंदन में देखें तो साउथ बैंक यूनिवर्सिटी वाला जो पूरा साउथ बैंक है तो वहाँ पे भी एक पूरा एरिया आता है वहाँ पे बच्चे ग्रफीटी भी करते हैं सो तो ये ये बनाए जाते हैं बिकॉज कंट्रीज़ दैट वर्क ऑन देअर पीपल दे डू रियलाइज़ के इस उम्र के बच्चे में ये ये चीज़ें होंगी तो उसका ये एंटीटोट है इस उम्र के जो टीन एजर हैं इसके अंदर एंगर होगा फ्रस्ट्रेशन होगा यू नो you know, तो उसको इस तरह चैनलाइज करना है तो सबको उनके डेजिग्नेटेड चीज़ें बना के दी हुई हैं और वो उस पर वहाँ जाके करते हैं तो जब उनको एक जगह दे दिए ना तो फिर वो शार्ट पे जाके पेंट नहीं करेगा या वो टावर ब्रिज पर जा नहीं करेगा गंद नहीं करेगा राइट आ, तो एवेन्यूज़ देने चाहिए लोगों को लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इतने एवेन्यूज़ नहीं हैं एंड इट्स इट्स स्ट्रेंज हालांकि में यू कैन एटलीस्ट गो टू अपू कैन एटलीस्ट गो टू ऑल अदर प्लेस एक्टिविटीज हैं दॉट्स ऑफ म्यूजिक गोइंग ऑन दिस एंड दिन उसके बावजूद पीपल स्टिल सम हाउ फील फ्रस्ट्रेटेड इनफ टू डू ऑल दिस थिंग्स फिर उसके दूसरी चीज़ ये है कि uh, लोगों में ख़ुद भी जो है ना रिस्पांसिबिलिटी वाला सेंस नहीं है Uh, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का यही इशू है आप ईरान से लेके मोरक्को तक देख लें एवरी प्लेस यू गो यू विल फाइंड क्लिनलीनेस आई थिंक आई डोंट अंडरस्टैंड ये साउथ एशिया का प्रॉब्लम क्यों है ऐसा पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है इवन श्रीलंका इज सुपर क्लीन बर्मा इज सुपर क्लीन नेपाल इज सुपर इवन इन इंडिया मिजोराम की हम अक्सर वीडियोज़ देखता हूँ मैं बड़े शौक से देखता हूँ वहाँ पे लाइक पीपल लोग गलत लेन में नहीं जाते वो घंटों यहाँ वेट कर लेंगे बट वो ऑन कमिंग ट्रैफिक वाले रोड पे नहीं जाते दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल सेम फॉर पाकिस्तान में अगर आप हन्जा में चले जाएं या कोटा में जैसे मैं मरियाबाद गया था जहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी होती है वो इतना स्पॉटलेस उनके सड़कें थी बिकॉज दे वर्क एज अ कम्यूनिटी साथ मिल रहते हैं अब हम हम जिस तरह रहते हैं वो जैसे आपने बात की हर घर की अलग टाइल है यूनिफॉर्मिटी नहीं होती और मैं यूनिफॉर्मिटी के बारे में बहुत इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पेडिस्ट्रियन के लिए फुटपाथ का हाइट एक ही नहीं एक नहीं है एक ही टाउन है और एक ही इदारा उसको देख रहा है फॉर एग्जांपल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अगर देख रहा है तो एक फ़ुटपाथ यूनाइटेड बेकरी पे वो इतनी ऊंची है यानी जिससे आप पैर नीचे करो अगर आपने आप उसको अपनी आंखों से मेजर नहीं किया कि कितनी डेप्थ है तो आपको बैक एक हो सकती है राइट आ, और लोगों को होती है इंजर हो जाते हैं लोग तो वो एक तरह की टाइल नहीं है कोई फुटपाथ यहाँ जा रही है कोई कहाँ जा रही है आई डोट अंडरस्टेंड अगेन इट कम्स फ्राम इस्थेटिक सेंस एंड आई डोंट नो किस तरह के लोग होते हैं जो इन चीज़ों पर अप्रूवल देते हैं आई एम श्योर देअर लाइक लॉट्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व कल भी मैं एक देख रहा था ट्विटर पर किसी ने वो पता नहीं पाकिस्तान में कहाँ एक ग्रीन कलर का बहुत बड़ा मट मटका तो खैर नहीं वो जैसे सुराही जैसे होती है uh, वो किसी ने बनाई इट्स सो पथेटिक लुकिंग वे एक मोन्यूमेंट बनाया अगेन लाखों करोड़ों पर खर्च हुआ होगा सेम गोज़ फॉर अब अमामबाल का किसी ने बनाया था स्कल्पचर इट वॉज सो बैड उस पर बहुत ट्रोल भी हुए थे वो आई डोंट नो मैन ये स्टेट अच्छे आर्टिस्ट हम या तो बनाते नहीं हैं या फिर अच्छे आर्टिस्ट या काम नहीं करना चाहते एंड आई डोंट ब्लेम दैम सो लोगों की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार ठीक है हमें चीज़ों को साफ़ रखना है घर के बाहर हमारी जिम्मेदारी है अगेन आप पाकिस्तान की अगर मार्केट्स की बात करें लोग सुबह सुबह तो खैर नहीं आते मतलब दोपहर देर से ही आते हैं कराची की अगर बात करें वो आके झाड़ू देते बीच सड़क पे रख देते हैं शाम तक वही सारा गंद हवा से उड़ोड़ के फिर उनकी दुकान में आता है और ये साइकिल चालीस साल से ही चल रही है लाइक वो उनमें इतना नहीं है कि यार मैं इसको एक बार उठा के किसी बैग में डाल के कोने में जो डस्टबिन है मार दे दूँ हम मैं इस वक्त एक बहुत पौश इलाके में बैठा हूँ लेकिन अगर अगर हम दिखा सके स्क्रीन पर बिल्कुल ये गली के कोने पर इतना बड़ा वो उन्होंने गारबेज का कलेक्शन का बॉक्स बनाया हुआ है उसको छोड़ के बाहर गंद करते हैं लोग आई डोंट नो है मतलब लाइक इसमें कौन सी रॉकेट साइंस चाहिए कि यार ये जो डब्बा है डब्बे के अंदर डालने इसमें नहीं डालना और फिर उसी घर में आके रह लेते हैं और ये ये इस घर की वैल्यू छः करोड़ है जिसमें मैं बैठा हूँ हम तो खैर रेंट करते हैं सो तो आसपास जो ज़्यादा बड़े घर हैं आठ करोड़ दस करोड़ बारह करोड़ इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं और अगर आप उनकी गली की हालत देखें तो मतलब विच इज़ वाई आई नेवर बाई इन इन कराची एटलीस्ट क्योंकि वैल्यू फॉर मनी नहीं है यार आप बारह करोड़ का अपार्टमेंट लो नीचे ये हाल है कि आपके पास चलने को पेडिस्टिन वॉक नहीं है होती भी तो आप क्या ही वॉक करते मोबाइल छिन जाता सो so सोया yeah, लोगों की बहुत जिम्मेदारी है अब जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो मैं अक्सर जो वॉकिंग ग्रुप्स मतलब तो ये वॉकिंग फोर के वीडियोज़ में देखता हूँ तो अक्सर नज़र आ रहा होता है दीवार पे क्यू आर कोड है ग्रेट डिजिटल इंडिया साथ में पान की पीक होती है अब गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया गवर्नमेंट ने तो डस्टबिन लगा दिया अब वो Uh, जो है योगी uh, तो नहीं आके एक एक का हाथ पकड़ के uh, थैला कचरे में डालेगा उसका काम तो डब्बा लगाना उसने लगा दिया अब आपका काम है वहाँ तक जाना बट वही हमारा सेट कल्चर के नहीं गवर्नमेंट आके मेरे पैर दबाए ऐसे नहीं होता गवर्नमेंट का काम सर्विस देना होता है गवर्नमेंट इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर आपने उसके उस सर्विस को जो है मेजर uh, अप करना है और uh, फिर आपने जाहिर है इलेक्शन के ज़रिए उनको फिर वोट भी करना है कि भाई वही यू अप टू द मार्क और नॉट वो फीडबैक फॉर्म होता है मगर हम कि इसको देखते किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, लोगों की अपनी भी जिम्मेदारी होती है अब आपने जो बोला कि आ, इंडिया में 47 से पहले अच्छी चीज़ें थी 47 के बाद हमने कुछ नहीं बनाया अच्छा ये जो आपने बोला कि बहुत सारी जगहों से हम अरब बिलियंस कमाते हैं बट वो साफ़ नहीं रखते आई रिमेंबर अबरार भाई की मैंने जो वाइल्ड लेस बाई अबरार है हु टूवर्ड इंडिया ऑन अ मोटर बाइक सो एन इवेंट टू आगरा तो मैं उसमें यही नोट कर रहा था कि ताजमहल इज़ ग्रैंडोर और मतलब मतलब सुबह वो पर्ली वाइट दिखता है शाम को वो पिंक हो जाता है वो सब खूबसूरत है मगर उसके पीछे आ, रिवर है वो गंदा है आसपास की लोकेलिटी बहुत गंदी है और वो बिल्कुल घुस के बने हुए हैं देर एनी ट्रीज़ जहाँ पे वो घर हैं वैसे आगे पीछे तो हैं और कचरा है कूड़ा है तो गवर्नमेंट वहाँ के लिए तो बहुत करती है कि ताजमहल के अंदर अगर आपने आना है तो चप्पल उतारनी है उसमें डस्ट ना आए सब कुछ उसका ख्याल रखते हैं बाहर का ख्याल नहीं रखते और आई रिमेंबर ही वेंट टू दिस प्लेस जहाँ पे वो पार्किंग uh, फ़ी लेते हैं कि वो आई थिंक वो शॉप्स बनी हुई होती हैं उनको गैराज में कन्वर्ट किया हुआ है एंड देन यू पार्क योर व्हीकल देर एंड देन वहाँ से फिर आप वॉक करके जाते हो माई फ्रेंड करण टोल्ड मी कि वहाँ पर दो मेन्यू चलते हैं आगरा में और वो एक फॉरेनर मेन्यू होता है और एक लोकल मेन्यू होता है सो so उनकी एक फॉरेनर लुकिंग कज़न आई तो उनको जो मेन्यू दिया उसमें दाल जो है 2004 में 2000 रुपए की लिखी हुई थी अब देखें इसमें मैं ये कहूँगा कि लूटना इज़ वन थिंग बट फॉरनर्स आर मोस्टली ओवर चार्ज बिकॉज द आइडिया इज़ टू गेट एफ डी आई नॉट एफ डी आई बट लाइक रेवन्यू सो आई रिमेंबर गोइंग टू द पिरामिड्स और मैं जब पिरामिड्स पर गया बाय द वे पेरेड्स में भी पिरामिड्स पर भी जगह जगह मैंने नोटिस किया था आई लव यू वगैरह बट देन इट कुड कु टूरिस्ट फ्राम साउथ एशिया या शायद वहीं के भी लोग हों जहाँ तो और जगह ही है सो so वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की थी जो टिकट काउंटर था पिरामिड्स के अंदर जाने का मतलब पिरामिड्स की प्रेमिस पे जाने का सो so, उसमें फॉर फॉर एन इजिप्शन इट वॉज ट्वेंटी पाउंड्स इजिप्शन पाउंड एंड फॉर अ फॉरिनर इट वॉज टू हंड्रेड पाउंडस यानी टेन टाइम्स मोर सो ये कमाने का जरिया है ऑफ़कोर्स जो बाहर से आया वो तो देखने आएगा ही बट अगेन दिस वॉज गवर्नमेंट रेगुलेटेड ये गवर्नमेंट ने ख़ुद लगाया था सेम गोज फॉर आई थिंक पिछले दिनों ट्विटर पर भी था कि इस्लामाद की कोई म्यूजियम थी और उसमें लिखा था कि जी आ, लोकल्स के लिए फ्री है और फॉरनर से पाँच सौ ले रहे हैं, ये तो लूट रहे हैं और हमारे मुल्क में हमारे मेहमान हैं ये मेहमान वेहमान नहीं होता भाई पैसा कमाना होता है इनसे अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि लूटो वो जो एक वीडियो थी थ्री टार थ्री टारजन जो मांग रहा था सी व्यू पे घोड़े पे बैठने के वो गलत है उस तरह नहीं लूटना आपने हाँ गवर्नमेंट के अगर बताए हुए हों कि भाई ये रेट लिस्ट है और इसके अकॉर्डिंगली आपने करना है इट शुड नॉट बी अप टू द पीपल शुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट एनी तो ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वैसे तो इन चीज़ जगहों से बहुत रेवेन्यू कमा रही होती है तो बट उसके आसपास ख्याल नहीं रखती इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल एटलीस्ट पाकिस्तान में मौजूद है इन लाहौर आपका जो फूड स्ट्रीट वाला पूरा एरिया है आ, मजा मीनार पाकिस्तान के पास शाही किला जहाँ पर है बादशाही मॉस्क जहाँ पर है इट्स वेरी वेल लुकड आफ्टर एंड आई थिंक उस पर ज़ायर काफ़ी सारी एम्बेसीज़ की फ़ंडिंग भी है इनफैक्ट uh, जो आपने मेरा व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने शाही हमाम दिखाया था जो दिल्ली जाने से पहले ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स लाहौर रुकते थे और शाही हमाम वॉज अ स्पा और अमीरों का स्पा था वो उसमें तैयार होते थे और खुशबू खुशबू लगा के फिर वहाँ से दिल्ली की तरफ जाते थे सो दैट इंटायर एरिया वॉज़ इन्फिल्ट्रेट विद ये आपके इंक्रोचमेंट uh, हुई हुई थी मतलब शाही हमाम की दीवार के साथ मसाले बिक रहे थे फिर वहाँ से उनको हटाया और वहाँ पे बिजली के तार बहुत सारे लो लेवल पे थे और बड़ा अगली लुकिंग था तो फिर नॉर्वेजियन एम्बेसी एंड आई थिंक आल्सो जर्मन एम्बेसी फंडेड द प्रोग्राम तो एक पूरा मास्टर प्लान था जिसके ज़रिए वो सारी तारें जो हैं अंडरग्राउंड की फिर वो सारे घर पेंट हुए और फिर उन घर वालों उन घर वालों को इजाज़त नहीं है अपने घर पेंट करने की और फिर उनको ये भी सिखाया गया है समझाया गया कि यहाँ पे टूरिस्ट आया करेंगे वो देखा करेंगे दरवाज़े पे सो यू डोंट हैव टू फील ऑफेंडेड कि वो ये मेरी खिड़की पे क्यों झांक रहा है ऑफ कोर्स घर में इस तरह नहीं झांकेंगे बट लाइक like, लोगों का आना जाना लगा रहेगा सो so, वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट गाइड्स भी होते हैं वज़ी ख़ान मॉस भी इट्स इट्स अ ब्यूटफुल ब्यूटिफुल स्पेस तो वहाँ पर काफ़ी काम किया है शाही किला जिसका मैंने कहा वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत काम किया इट्स वेरी टूरिस्टी इनफैक्ट जो जो लोग सुन रहे हैं लाहौर में जो लाल किला है वहाँ पे सॉरी लाल किला तो दिल्ली में जो फोर्ट है किला वहाँ पे रात का एक पूरा टूर होता है उसमें ऑब्वियसली द टेक यू अराउंड जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में होता है द टेक यू अराउंड यहाँ पे ये यह होता था यहाँ पे सज़ाएँ दी जाती थी और वो रात को म्यूज़िक के साथ होता है परफॉर्मेंसेस भी होती हैं आई एव हर्ड इट्स वेरी ब्यूटीफुल आई एम येट टू डू इट बट आई वुड हाईली रिकमेंड क्योंकि मेरे जितने भी पढ़े लिखे दोस्त गए उन थरली इंजॉय देर दे दे सेट के इट्स तो अ वंडरफुल थिंग देयर डूइंग सो एटलीस्ट वहाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं है हाउ एवर दूसरी जगहों पर जैसे कि मैंने कहा मीनारे पाकिस्तान पे देर इज़ अ लॉट ऑफ वॉल चौकिंग इज़ वेल जैसे आपने बोला कि फोटी सेवन के बाद कुछ नहीं बना ये आई कैन अग्री फ्राम कराची स्टैंड पॉइंट इन फैक्ट दीपक परवानी हु उज़ अ फैशन डिज़ाइनर हु वॉज ऑन माई पॉडकास्ट और उनसे जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी उसमें पहली बात ही उन्होंने ये कही थी कि कौमें जो हैं इमारतों से पहचानी जाती हैं लोग तो आते जाते रहते हैं लोग आते हैं मर जाते हैं फिर अगले लोग आ जाते हैं उनकी इमारतें जो बिल्डिंग्स होती हैं वो बात करती हैं उनके कल्चर के बारे में या उनकी ग्रैंडियोसिटी के बारे में या फिर ग्रैंड इज़ द रट वर्ड या फिर ये कि उनका मकाम क्या था अब जैसे आप इंग्लैंड में जाते हैं तो आप बड़े बड़े कासल्स देखते हैं चर्च देखते हैं चर्चेस देखते हैं ऑल अक्रॉस यूरोप वेटिकन सिटी जाते हैं इट स्पीक्स फ़ॉर इट सेल्फ क्य यार मतलब माइकल एंजलो क्या काम करके गया है या डोनल टेलो ने क्या काम किया है या यू you नो know, दूसरी म्यूज़ियम्स में आप जाते हैं यू सी दे रेलिक्स इट स्पीक्स फ़ॉर इट तो उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ एक बिल्डिंग है जिसको हम बेचते रहते हैं और वो एक हिंदू मारवाड़ी की का घर है जिसको मोहट्टा पैलेस कहते हैं आपके सारे बड़े बड़े अवार्ड शोज़ वहाँ होते हैं आपके बड़े बड़े कॉर्पोरेट के फंक्शंस वहाँ होते हैं वो तो मतलब यू ओनली हैव वन थिंग टू सेलिब्रेट वो भी प्री पार्टीशन उसके बाद आपने क्या बनाया एक सिलेंडर जैसा अभी बैंक प्लाजा है दै ये उन्होंने नहीं कहा मैं कह रहा हूँ और हमारे यहाँ कोई यूनिफॉर्मिटी बिल्डिंग्स में भी नहीं है इफ़ आई लुक एट कमर्शल एरिया ख़ासतौर तौर पर ये जो डिफेंस में चार चार मंजिलों के डब्बे बनाते हैं उसमें विंडो भी नहीं होती है और उसमें पेंट भी नहीं हुआ होता, या याद होता ना कि आप एक अच्छा सा जैसे लिस्बन में इतने खूबसूरत अलग अलग कलर के एम्स्टरडेम आप में आपने देखे होंगे भाई कलर ही कर दो यार आप ये डिसाइड कर लो कि भाई वी आर द रेगुलेटर्स और इस पर ब्लू होगा इस पर येस होगा इस पर ये होगा हो कोई कुछ तो बना दो सबके अलग अलग कहानी है एंड नो नो बडीज नो बडी हैज़ अ स्टोरी नो बिल्डिंग हैज़ अ स्टोरी और सबकी अलग कहानी है तो ये है तो आपने भी जैसे बोला कि कोई ओपरा हाउस नहीं है या कोई टाइम स्क्वायर जैसा जगह नहीं है लेकिन इसमें मैंने आईव टर्न रिसर्च जैसे कि लोटस टेम्पल इज़ नाइस अक्षरधम टेम्पल दे, दे आर आ, ये सब बाद में बने हैं एंड जय जय तु नेचर पार्क इसका आई थिंक ध्रुवराठी ने भी जिक्र किया था दीज आर गुड प्लेस टू विज़िट सो ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं बना हाँ मे बी नॉट अप टू द मार्क कोर्स कॉलोनियल स्टाइल अलग था वी ऑल्सो लुक एट ओल्ड कराची जाए वी लुक द बिल्डिंग्स वी लुक एट इतनी डिफाइंड डिटेलिंग से काम हुआ होता है हम सोचते हैं कि यार आज आज तो सीधा सीज़ सीधा प्लस्तर मारते थे ये कल मैं एक वीडियो देख रहा था वो रोशन के ऊपर थी कि इतनी गर्मी आज इसलिए हो गई क्योंकि हमारे घर बंद हैं पहले ज़माने में वेंटिलेशन के लिए रोशनदान हुआ करते थे उससे रोशनी भी आती थी परिंदों की आवाज़ भी आती थी हवा भी गुजर होता था और कमरे ऊंचे होते थे हीट हमेशा ऊपर जाती है राइट तो जितना ऊंचा कमरा होगा हीट ऊपर जाएगी हमने कमरों के साइज़ ही नीचे कर दिए गर्मी तो लगेगी फिर दरख भी नहीं मन लगाते हम सो या बड़े मसले हैं मुझे आ, आ, मेरा कंसर्न यही होता है कि पीपल हु आर इम पावर्ड ऑफकोर्स दे गो टू दुबई ऑल द टाइम दे गो टू यूरोप चाहे अपने असाइनमेंट पर जाएँ या हॉलीडेज पर जाएँ डोंट दे लुक अराउंड एंड सी के हाँ यार ये चीज़ें यहाँ भी होनी चाहिए एक एक कमिश्नर साहब थे उनके माय फ्रेंड अमार हबीब खान हु वाज आल्सो ऑन माय पॉडकास्ट वो उनको क्लब रोड का कमिश्नर वो कमिश्नर कराची थे मगर वो उनको कहते थे क्लब रोड का कमिश्नर क्लब रोड एक छोटा सा रोड है मैरियट uh, वाला जहाँ पे कराची का मैरियट होटल है ऑल द वे टू तीन तलवार तक तो वो एक छोटा सा दो किलोमीटर का हार्डली दो किलोमीटर का स्ट्रैच है तो वो जो भी काम करते थे इसी रोड पर करते थे uh, वो मशहूर हुआ चेस वाली जो नेटफ्लिक्स की सीरीज थी तो उन्होंने एक चेस कॉर्नर बनाया कहाँ ट्रैफिक ट्रैफिकल के बराबर में अब चेस कॉन्सेंट्रेशन का गेम है वो टीणी पापा में कौन बनाएगा फिर उन्होंने एक स्ट्रीट लाइब्रेरी बनाई कहाँ पे आ, ये आ, अवारी होटल होटल के सामने अगेन शार फैसल का चौक पॉइंट है वो छः तरफ से ट्रैफिक आता है वहाँ लाइब्रेरी स्ट्रीट लाइब्रेरी बनाती है कि लोग यहाँ बैठ के किताबें पढ़ेंगे आई मीन हु इन द राइट माइंड और इन पे फिर पैसा लगाया दिस डैड आज वो खाली पड़ी होती है सिमिलरली उन्होंने जिस तरह इटली में आप देखते हैं कि बैल्कनीज़ में यू you नो know, अच्छे फ्लोरल सेट्स रखे होते हैं फूल रखे होते हैं तो उन्होंने आर्टिफिशियल फूल लगाना शुरू कर दिए यहाँ पे बिल्डिंग्स में अगेन ऑन द क्लब रोड वो सिर्फ क्लब रोड पे ही काम करते थे इस तरह के सब मेरा ये सवाल है कि वाइक वैन दे गो टू ऑल दीज प्लेसिज एंड लुक एट ऑल दीज एक्सपी विजअल एक्सपीरियंसिस या वॉकिंग एक्सपीरियंसिस तो वो इस पर अप्लाई क्यों नहीं करते लाइक like, एयरपोर्ट्स की ही अगर हम मिसाल ले लें कराची एयरपोर्ट इज़ लाइक बाई फार दर्स्ट एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एवरी थिंग लाइक उसकी लाइटें अच्छी नहीं हैं इट्स नॉट वेलकमिंग इट्स नॉट प्लीजिंग टू दी आई हाफ द टाइम आई कम जो ऑफिसर्स उनकी शर्ट खुली होती है बनेन दिख रहा होता है देयर लाइक वॉर्न आउट लुकिंग मैं आई वेंट टू आजर भाई जान बा एंड ऑल जो पूरा स्टाफ था इमिग्रेशन का देवर ऑल फीमेल एंड ब्यूटिफुल वूमेन एंड दे वे आर वेरी स्माइलिंग प्लीजिंग वेरी वेलकमिंग तो घुसते ही मुल्क में अच्छा लगा कि हाँ यार मतलब यू नो माहौल अच्छा है बड़ा फ्रेंडली माहौल है यहाँ पर आप इसे कहाँ से आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं मतलब वो जैसे पुलिस का नाका होता है ना वही चीज़ वहाँ हो रही होती है एयरकंडीशन में बस तो एवरी थिंग अबाउट दैट एयरपोर्ट इज़ ऑफुल चाहे वो आपका लगेज डिस्पेंसिंग हो कुछ भी हो इट्स इज जस्ट ऑफ आल सो वन दे गो टू ऑल दिस वंडरफुल कंट्रीज डोंट दे फील कि यार मेरे पास पावर है ये करने की तो मैं थोड़ा कर ही लूँ मगर नहीं जैसा आपने कहा कि छः बिल्डिंगे होंगी सब की अलग अलग कहानी होगी कोई कहाँ किस दिशा में होगी कोई किस दिशा में होगी तो आंखों को देखो सिमेट्री इंसान जो है ना वो उसको सिमेट्री बहुत पसंद है आई एम सॉरी आई एम टेकिंग टू लॉन्ग ऑन दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इस माई फेवरेट एरिया टू टॉक अबाउट सिमेट्री इंसान को बहुत पसंद है अब वो चाहे वो ख़वा की बॉडी में देखना चाहे या वो जो है वैसे ही देखना चाहे कुदरत में बहुत सिमेट्री है फूल की पतियाँ देखें ना जब वो खुल खिलता है तो सिमेट्रिकल होता है सो तस्वीर भी जो आप देखते हो अच्छी तस्वीर आ, किसी अच्छे फोटोग्राफर के लिए भी तो उस पर आपको सिमेट्री ही देखेगी राइट तो वही चीज़ फिर इंसान दुनिया में हर जगह देखना चाहता है कि यार हर चीज़ अपने ऑर्डर के साथ चल रही है वो यूं चीज़ आ रही है और फिर रोड यूं जा रहा है दिस दैट ये वो मगर के ओस है यहाँ पे ये सो मच के और लगता है कि वो एक डब्बे में बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स डाले सिटीज एक सिटी बनाने के जो बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स होते हैं उसको डाले उसको अच्छी तरह शेक किया एंड देन इज़ योर मुंबई देर इज़ योर कराची देर इज़ योर कैलकटा एंड बस छोड़ दिया तो जो भी बना उससे मतलब कोई थाट नहीं होती कि अरे ये रोड इसको इस तरह कर्व होना चाहिए या फिर यहाँ से ऑन कमिंग ट्रैफिक होगा अगर मैं यहाँ दरख्त लगा रहा हूँ तो एक ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है और यहाँ से ट्रैफिक तेज़ जाता है सो इट कैन पोटेंशियली हिट मगर कोई सोचता ही नहीं है या अगर ये झाड़ियाँ बड़ी हो गई हैं फास्ट लेन में जो बाइक वाला जा रहा है उसके मुँह को लग रही है तो उसको मैं ट्रिम करवा दूँ लेकिन कोई सोचता ही नहीं है आई डोंट नो सारा पेन मैंने ही लेना है और आपने लेना है शायद So um, I hope I answered your question. I don't know what's, where the problem lies. Clearly, uh, the will of the government and also the will of the people. These two things will be Again, in dono cemetery, them, symmetry there. beautification will be there. Otherwise, we blame the government, and the government will say that there is no money. And will continue. Thank you. Alright, next one is an albino living in Pakistan. My name is ABC. I'm 17 year old. I have given my intermediate exams recently. My parents are financially stable and can afford all kinds of necessities. Albinism. I will give you a brief account of my condition, but it's always better if you can do a bit of your own research as well. Albinism is when you are legally blind and have pale skin and white hair. You have uh, you also have निस्टैक्मस मीनिंग योर आइज़ आर कॉन्स्टेंटली शेकिंग रिजल्टिंग इन ब्लरी विजन सो लीगली ब्लाइंड का मतलब ब्लाइंड नहीं होता बट लीगली ब्लाइंड होता है यानी कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपके सामने कोई क्राइम हो रहा हो तो आप विटनेस नहीं कहलाए जा सकते या आपकी जो स्टेटमेंट है वो नहीं मानी जा सकती बिकॉज आपका विजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप सही से डिटर्मिन कर सको सो माइनस सिक्स का जो विजन होता है उसके बाद इट्स लीगली ब्लाइंड सो मेरा जो विजन है ये माइनस वन पॉइंट फाइव है दिस वन इज़ माइनस सेवन पॉइंट फाइव सो लाइक इफ़ आई क्लोज दिस आई वो मुझे नज़र आ रहा मुझे कैमरा नहीं नज़र आ रहा आई कैन सी अ फैन बिहाइंड इट बिकॉज उसका स्ट्रक्चर बड़ा है एंड ऑफ कोर्स बिकॉज आई रिमेंबर दिस रूम सो अगर मैं किसी नई जगह जाऊँगा तो मुझे उसके ऑब्जेक्ट्स समझने में थोड़ा देर लगेगी लाइक आई कैन अंडरस्टैंड या बुक्स रखी हुई हैं और रीड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे सामने ये है एंड आई कैन नॉट रीड एनी थिंग मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा सो so, अगर इस आँख से मैं कोई क्राइम होता हुआ देख लूँ सो आई कैन नॉट से फॉर श्योर कि वो बंदा कैसा था कैसा दिखता था और वो उसको स्टेटमेंट को का माना नहीं जाएगा सो so, ये होता है लीगली ब्लाइंड का मतलब और इसलिए उनको ब्लरी विजन हो रहा है क्योंकि उनकी आँखें कॉन्सटेंटली शेक हो रही हैं challenges some challenges that i had to face during the ongoing course of my life are as follows since my childhood i have been bullied by my fellow classmates over something i had no control over one incident i remember is my father is with my father when we both were going somewhere on a bike and randomly someone shouted oh china ke gore that, that was so heart wrenching and especially when i looked at my father i couldn't forget his expression he looked so speechless because of my eyesight, I had to face a lot of challenges and I understand it's natural, but a lot of times I felt worthless and depressed because of it. I still remember that I used to cry because no one was willing to assist me in copying down the notes from the whiteboard. Again, just a laptop Uh, नहीं नज़र आ रहा शायद मैं बहुत करीब करूँ तो नज़र आने लगे तो एक वाइट बोर्ड जो इतना दूर है वो कैसे नज़र आ सकता है टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माई लाइफ वेदर दोज आर दी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स ऑन स्मार्टफोन्स मिनी टेलीस्कोप्स और मैग्नीफाइंग ग्लासेस द दे हैव दे हैव ऑलमोस्ट चेंज माई लाइफ एंड गिविन मी समथिंग टू वर्क विद फ्रॉम अ वेरी यंग एज यूट्यूब बिकेम माई फ्रेंड एंड आई यूज़ टू प्ले अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स as they provided me with an escape from the bullying and other tensions of life obviously i became an introvert and because of lack of good company i got addicted to pornography i'm still trying to get rid of it but i ended up relapsing again and again despite all this i was able to maintain a good academic rec record i got 962 marks out of 1100 in metric and 424 out of 570 in my first year i've given my secondary papers and they also went satisfactory. I'm confused about my future, for example, which field to choose, etc. Like all the other boys, I also want to leave Pakistan, but my parents are overprotective and conservative as well. I'm interested in pursuing software engineering and maybe after that, artificial intelligence as well. Another thing I came to know was that I would never be able to drive, which was also heartbreaking. Question I have some questions from you, which are as follows Please tell me whether I will be able to get a job outside Pakistan, keeping in mind. Uh, uh, my condition. Also, enlighten me uh, uh, about the other challenges I might have to face in life according to your limited experience and whether someone will be interested in a man who is legally blind. Uh, Junaid, I lack motivation. I am hopeless. I need someone to motivate me and guide me, and I look forward to you for that. I made this email brief to value your time as well as mine. <laughs> so, this is a boy who is albino, albinism. जो कि जिसको फुल बेरी कहते हैं आई गेस जिसमें आपने देखा होगा पेल स्किन होती है ब्लॉन्ड बाल होते हैं और वो आँखें वो भूरी आँखें सॉरी पलके जो होती हैं वो भी बहुत भूरी होती हैं और वो तेज़ तेज, -तेज आँखें झपकते हैं आई हैड एक दोस्त के मोहल्ले में दे वॉज दिस किड जो जिसको ये प्रॉब्लम था आ, कुछ को बहुत से होता है कुछ का जो है शायद इतना ना हो नवर द लेस इट इज़ कंडीशन सो so, जैसे कहा कि इनको बहुत बोली किया जाता है और यू नो बाहर भी लोग आवाज़ें कसते हैं इट्स अ वेरी अगेन अ साउथ एशियन प्रॉब्लम जैसे कि मैंने शायद पहले भी बताया हमारे मोहल्ले में एक बन कबाब वाला था ही हैड कोंटेड आइज तो जिसको भहंगापन कहते हैं तो uh, वो उनको उनका नाम किसी को नहीं पता था लेकिन सबको पता था काड़े के बंद कबाब बड़े अच्छे होते हैं तो बो बोला उनके मुँह पर बोलता था काड़े के बन् कबाब ले आओ सो so, पाकिस्तान में या इंडिया में किसी के अगर कोई फिज़िकली uh, 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 जो है चैलेंज है किसी भी तरह तो वो उसका नाम बन जाता है uh, काड़ा होगा कोई लंगड़ा होगा कोई क्या होगा सो इट्स वेरी इनसेंसिटिव अब लोग लोग ज़ाहिर थोड़ा बहुत सीख रहे हैं समझ रहे हैं चीज़ों को बट वे फार फ्राम फ्राम बीग एन एब्सोलूट परफेक्ट सोसाइटी अब ये भी uh, बड़ी अच्छी बात है कि इनके पास टेक्नोलॉजी है तो उसकी वजह से ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर है थोड़ी सी आसान है इसमें मुझे एक मिसाल याद आई देर इज इस बहन भाई जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं फॉर ब्लाइंड पीपल और उनका एक किचन भी है वो एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं घर से और जो है फूड सप्लाई करते हैं तो उन वो जो है सेलेब्रिटीज़ के साथ हर साल जो एक मखसूस दिन होता है फ़ॉर ब्लाइंड पीपल फॉर विजुअली चैलेंज पीपल तो वो एक लंच रखते हैं या डिनर रखते हैं जिसमें ब्लाइंड फोल्ड करके खाना खाना होता है तो बेसिकली वो मैसेज होता है समझाना होता है कि दिस इज़ हाउ वी लिव हमारी ज़िंदगी इस तरह होती है और मैं अक्सर सोचता हूँ कि हाउ डू दे ऑपरेट फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आप गाड़ी चलाते हुए ऑफकोर्स आई वोट रिकमेंड कि आप तीन सेकेंड से ज़्यादा आँखें बंद करें तो आपको डर लगेगा कि यार गाड़ी कहाँ जा रही है बट देर आर पीपल हु आर विजुअली चैलेंज जो कि पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजार देते हैं तो बेसिकली ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज होता है होता है लंच करना होता है तो ताकि सॉर्ट ऑफ रेजिंग अवेयरनेस तो उसमें आ, जो है वो मुझे भाई अक्सर ही चैट्स विद मी प्रॉपरली लाइक प्रॉपर अगर मैं उनके साथ व्हाट्सएप पे बात कर ही इज़ ब्लाइंड लाइक टोटली ब्लाइंड नॉट लीगली टोटली ब्लाइंड मगर वो मुझसे बड़े आराम से बात करते हैं वॉइस नोट्स पे नहीं टाइप करके मैसेंजर पे भी करते हैं व्हाट्सएप पे भी करते हैं बिकॉज़ वो उसमें असटेंस असिस्ट, मौजूद है सो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी के जो आ, इतने आ, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हो, तो able है होते हैं उनको इतना एबल करती है कि वो जो बेसिक टास्क होते हैं ज़िंदगी के वो आराम से परफॉर्म कर सकते हैं सो सिमिलरली इन हिस केस इज़ वेल यूट्यूब ने काफ़ी हेल्प की गेम्स ने काफ़ी हेल्प की लेकिन उसकी फिर एक डाउन साइड ये होती है कि जब आप इतना बुली होते हो तो फिर आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो फिर आप घर में होके रह जाते हो आई हैव शेयर दिस एग्ज़ाम्पल बिफोर वन ऑफ माई कज़न हैज़ अ स्किन कंडीशन जहाँ पे उसके पीछे से बाल नहीं हैं एंड देन उसकी स्किन में भी जो है दस लाइक लिटरली नो हेयर नो आई ब्राओ तो ही डजन लुक योर टिपिकल पाकिस्तानी बॉय राइट उसको बचपन में तो लोग अंग्रेजी भी बोलते थे वो जर्मन लगता है जीप सो ऑफकोर्स वो बुली भी होता था स्कूल में हम भी जब छोटे थे तंग करते थे बट ऑफ कोर्स वी ग्रो आउट ऑफ इट एंड वी रियलाइज़ कि उसको फील होता है uh, हम बहुत ख्याल रखते हैं अब तो उसका ही इज़ लाइक माशा इन स्टर्ट इज़ नाउ सो ऑब्वियसली उस ज़िंदगी पर इतना बुली हुआ है तो उसके कोई दोस्त ही नहीं है और वो काम करता है नौकरी करता है जाता है घर आ जाता है एंड ही स्लीप्स एंड दैट सेट उसको अगर आप कभी वॉइस वॉइस नोट कह रहा हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें तो उसका तीन दिन बाद रिप्लाई आता है why? because he wasn't expecting any whatsapp message. and it's very sad. i try to take him around as much as i can. we've also traveled overseas. shunya uh, exposure but he's naturally very shy for obvious reasons because confidence uh, building hon, so every time, whenever I, I message him on whatsapp, din baad reply, a rahe, 2 din baad a rahe, because he doesn't even expect. कि मुझे व्हाट्सएप कौन करेगा वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे होगा या यूट्यूब पे होगा कंटेंट देखेगा इन दैट सेट सो या दिस इज़ व्हाट बुलिंग डज टू अ लॉट ऑफ पीपल बट हम लोग सोचते नहीं हैं इस बारे में सो so, टेक्नोलॉजी से ये तो आपको कम से कम हुआ कि आपने चीज़ें सीख ली समझ ली एंड आई रियली लाइक योर एस्पिशन जो आपने सवाल की जो आपने बोला कि पोर्नोग्राफी अब जाहिर अगेन यूर होम ऑल द टाइम यू आर नॉट गोइंग आउट यू आर नॉट एग्जर्टिंग योर एनर्जीज़ सो नेचुरली वैन यू डन विद योर रील्स वैन यूर डन विद योर कॉन्टेंट नेचुरली फिर दिमाग उस तरफ जाता है एंड देन ऑफ कोर्स सो वट इसके लिए वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू स्टे आउट डोर इज़ मच एज यू कैन एंड बी एग्जॉस्ट यूर सेल्फ एज मच एज यू कैन फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड इफ़ यू कैन डू एनी थिंग एनी थिंग दैट एग्जॉस्ट यू बिकॉज फिर आप फारग नहीं होंगे फिर आप घर पर आके सो ही जाओगे सो सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाकी जो आपने बात की कि इफ़ आई वॉन्ट टू मूव क्या मुझे बाहर यह अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ऑफकोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल Uh, वहाँ पे देर इज़ अ लॉट ऑफ़ फैसिलिटीज़ वन इट कम्स टू द मोबिलिटी ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल यू वॉन्ट फील अब देखो यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी मिसाल है ट्रैफिक सिग्नल है यहाँ पे बंदे को पता भी ना हो कि ट्रैफिक सिग्नल मौजूद है नहीं है जैबरा क्रॉसिंग है नहीं है uh, जो बाहर मुल्क हैं वहाँ पे जो वो होता है वो ब्लाइंड ब्लाइंड लोगों के लिए असिस्टेंस के साथ होता है ट्रैफ़िक सिग्नल बिकॉज Uh, वो वाइब vib वाइब्रेट नहीं करते इट मेक्स अ सर्टन नॉइज़ विद अ सर्टन गैप उसका मतलब होता है कि सिग्नल बंद है ऑपरेटर तेज से होता है दैट मीन्स यू नीड टू वॉक नाउ। तो और आपकी जो टाइल्स होती हैं वो भी uh, ब्रेल वाली होती हैं सो so, उसमें जो होता है मार्किंग्स होती हैं सो इफ़ इट्स सर्कल यू कैन फील इट फ्राम योर फीट कि अच्छा ये सर्कल वाली सो आई है कीप मूविंग अगर वो लाइन है यूं करके सो आई नीड टू स्टॉप तो मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती सड़क आपसे बात करती है जो विजुअल विजुअली एबल है वो भी देखता है अगर इफ़ यू आर ड्राइविंग तो आपको जगह जगह सड़क आपसे बात कर रही होती है कि कहाँ से जो है ना टर्न होगा कहाँ से ये हो रहा है फ़लाना हाईवे किधर है एग्जिट किधर आ रहा है द रोड कीप्स टॉकिंग टू यू कराची में देर इज़ नॉट वन रोड आई हैव नेवर सीन के कराची में स्पीड लिमिट क्या है किसी रोड की मैंने तो शायद कहीं नहीं देखी शायद किसी आर्मी वाली गेटेड कम्युनिटी के अंदर ज़रूर हो कि जी बीस पे गाड़ी चलाएं तीस पे चलाएं बट शहर में तो मैंने आज तक नहीं देखी बस अंदाजे से पता है कि जी वो फ़लाना जो एक्सप्रेस वे है उस पर सत्तर से ऊपर नहीं जाना बिकॉज एक बार ऊपर गया था तो चलान हो गया था सो दैट्स हाउ पीपल नो वर्ड ऑफ माउथ से बट लिखा कहीं नहीं होता कि कितनी स्पीड है सो so वहाँ पर आपको एटलीस्ट मोबिलिटी में बहुत आसानी होगी एंड ऑफकोर्स देर वेरी सेंसिटिव पल हू आर डिफरेंटली एबल्ड एंड ऑफ कॉर्स अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं यू नो माई ओन डॉटर शी हेज़ ऑटिजम शीज़ ऑन द स्पेक्ट्रम तो उनको बाकायदा लाइफ स्किल्स सिखाई जाती हैं दे टेक द किड्स ऑन द बस द शो दैम के बस में टिकट कैसे कटाना है कार्ड कैसे टैप करना है दे टेक देम टू टेस्को या सुपर मार्केट्स पे कि किस तरह आपने पैसे देने हैं शॉपिंग कर फेक शॉपिंग करवाते हैं कि किस तरह आपने पैसे से डील करना है बिकॉज देर लाइक वेरी उनको नहीं पता होता कि वन इट कम्स टू मैथेमेटिक्स वो ज़ाहरा वो वो दैट साइड ऑफ द ब्रेन डजन एक्टिवेट तो वो सिखाना हर चीज़ सो बड़े बहुत बहुत डीपर लेवल पर जाके केयर होती है एंड आई हैव सीन अ लॉड ऑफ कैशियर्स इन डिफरेंट स्टोरस कि वो किसी ना किसी डिसेबिलिटी uh, होती है उनको एंड बिकॉज उनको फिर वो सूट वो करता है uh, तो लाइक like, उनकी प्लेसमेंट्स होती हैं बाकायदा uh, एक बार मैं गया था आई स्टिल रिमेंबर मार्क्स एंड स्पेंसर पे दे वॉज दिस लेडी शी वॉज डिफरेंटली एबल्ड तो शी वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम बट एवरी वन वॉज सुपर पेशेंट किसी ने मुंह नहीं बनाया कि भाई जल्दी कर ले हमें आगे जाना है ये करना है वो करना है दे उसके बैच पे भी लिखा हुआ था कि प्लीज़ बेयर विद मी आई एम फलाना फलाना चैलेंज समथिंग कुछ था तो एवरीबडी रेकग्नाइज एंड दे एम्पथाइज तो किसी ने कुछ नहीं बोला शी टुक सो मच टाइम जस्ट टू प्रोसेस माई ऑर्डर बट आई वॉज पेशेंट बिकॉज यू नो दैट्स द राइट वे टू डू थिंग्स एंड ऑफ कोर्स उन्होंने आइडेंटिफाई करा दिया बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि यार अगले को कोई है भी कि नहीं है सो so, बहुत डीपर लेवल पे आपको एम्पथी मिलेगी अब भी लोग बोलते कि जी वो फिर वो आप पे बच्चे भी मार रहे हैं इसराइल पे और फ़लस्तीन के वो एक मैक्रो लेवल पे हरामी फन हर जगह है गवर्नमेंट लेवल पे बिकॉज दुनिया जो है वो आ, वेपन बनाने वाली कंपनीज जो होती हैं जो साइकोपैथ्स हैं वो दुनिया चलाते हैं But on a human level, you'll find very good people. The system works for a lot of people. On oh, global level, people are like reptilians. Jo chala rahe. So, yeah, use sakte. there are lots of opportunities for people like yourself over there. Khayal rakha people will be very mindful of your challenges and they'll, they'll go an extra mile uh, to assist you. सो so, यहाँ पे तो आप सोच ही नहीं सकते ना यहाँ आप चल ही नहीं सकते फुटपाथ पे ऑन योर ओन जब तक आपको आपकी फैमिली uh, की सपोर्ट है यू कैन मूव अराउंड इजीली बट देन वंस यूर ऑन योर ओन व्हाट वुड यू डू जैसे आपका क्वेश्चन था कि इफ समवन विल बी इंटरेस्टेड इन मी आई एम श्योर देर आर लॉट्स ऑफ कपल्स बहुत सारे तो सेम uh, ही होते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड ईच अदर जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई एक तो मुझे ना वो पोलिटिकली करेक्ट वर्ड जहन में नहीं आते फ़ॉन मिजट्स की मैं बात कर रहा हूँ सो लॉड ऑफ़ कपल्स यू वुड सी वो दोनों एक जैसे ही होते हैं सेम गोज फॉर ब्लाइंड पीपल आई हैव सीन अ लॉर्ड ऑफ सच कपल्स दे अंडरस्टैंड ईच अदर या पोियो वाले कपल्स मैंने बहुत देखे हैं मियाँ बीवी हैं दोनों को पोलियो है दे अंडरस्टैंड ईच अदर कि उनके क्या चैलेंजेज़ हैं फिर दे इन शोर के अगले को ना हो बच्चे को ना हो सोया uh, so yeah, इस तरह के होते हैं दे डू एंड अपम श्योर आई थिंक देर इज़ एन ऐप लोकल पाकिस्तानी एप फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल एज़ वेल मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा तो वो इसीलिए बनाई गई है कि भाई जो इस तरह के लोग हैं बिक फिर होता है एक टिपिकल रिश्ता हंडिंग में तो फ़ौर आया है इसको तो ये है आया है इसको तो ये है या ये, ये तो ऐसा है या वैसा है तो उससे उससे जान छुड़ाने के लिए बिकॉज़ इट्स अ वेरी नेगेटिव सोसाइटी दैट वे एंड वेरी इनसेंसिटिव एज वेल सो डोंट वरी अबाउट दैट बाकी आपको चैलेंजेस क्या होंगे यहाँ के चैलेंज मैं आपको बता सकता हूँ ओबियसली यू वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू बी एम्प्लॉयड बिकॉज अगेन पीपल विल जज यू विद द फैक्ट के जो आपको प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रोडक्टिविटी के पैमाने से देखेंगे वो उनके दिल में ये नहीं आएगा कि ठीक है uh, अगर मैं थोड़ी सी कम हो जाऊँ लेकिन किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए उस उस जावी से शायद ना सोचे खुदा तरसी शायद इतनी ना मिले एंड देन अगर आप अपने स्किल्स में बिल्कुल एबल हैं तो खुदा तरसी होनी भी नहीं चाहिए आपको अपने स्किल्स की लेवल में मिलनी चाहिए मगर यहाँ पर शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए उस चीज़ को समझना फ्राम द एम्प्लॉर्ज स्टैंड पॉइंट बाकी आ, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर स्टीफिन हॉकिंग जो है वो इंग्लैंड की जगह पाकिस्तान में होता तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर भीख मांग मांगते हुए मर जाता मगर चूंकि वो एक ऐसी सोसाइटी में था जहाँ उसके दिमाग की फिर भी वैल्यू थी डिस्पाइट हिज फिज़िकल डिसेबिलिटी उसको हमेशा असिस्ट किया गया उसने इतनी किताबें लिखी उसने एस्ट्रोफिज़िक्स की दुनिया में जिस तरह धमाके किए इसकी बड़ी इंस्पायरिंग फिल्म भी है आप वो देख सकते हैं आ, तो वो अगेन उसी सोसाइटी में ही पॉसिबल था यहाँ होता तो शायद कुछ भी ना कर पाता सो कीपिंग दैट इन माइंड देर विल भी चैलेंजेज ऑफकोर्स एक फ़िज़िकल लिमिटेशन ज़रूर है मगर मैंटल लिमिटेशन कभी नहीं होनी चाहिए इंसान को वन शुड बीट ऑल दी ऑर्ट्स और uh, उसकी फ़िज़िकल लिमिटेशन की अगर हम बात करें समथिंग दैट आई मिसड इन द लास्ट अपिसोड बॉर्न ऑन द फोर्थ ऑफ जुलाई एक बहुत अच्छी फिल्म है वेरी इंस्पायरिंग इट्स अ ट्रू स्टोरी टॉम क्रूज़ की है टॉम uh, क्रूज जब तक साइंटोलॉजी में नहीं गया था ना उसकी फिल्में बड़ी अच्छी होती थी तो उसमें इट्स अबाउट ऑफ वेतनाम वेट जो कि एक आ, एक सोल्जर होता है वियतनाम जाता है और पहले दिन उसको लोअर स्पाइन में गोली लग जाती है जिसकी वजह से उसकी लोअर बॉडी जो है बिल्कुल डिसेबल्ड हो जाती है सो वो व्हील चेयर बाउंड हो जाता है एंड देन ही बिकम्स अ पीस एक्टिविस्ट और फिर उससे जो चैलेंजेस होते हैं ऑब्वियसली ही के नॉट फंक्शन सेक्चुअली उसकी वो फ्रस्ट्रेशन दिखाई है बट uh, अगेन उसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉग थी एंड ही एंडेड अप बिकमिंग अ हीरो सो इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग मूवी सो यू शुड वॉच दैट इज़ वेल सो डोंट डो नॉट लूज होप अल्लाह ने अगर एक चीज़ लेता है तो दस चीज़ें देता भी है एंड आई एम श्योर यू वुड डू वंडर्स इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वट एवर यू यू एस्पायर टू बी एक चीज़ है इसमें आपका कोई किरदार नहीं है इट्स इट्स अ गॉड्स विश तो उसको यू जस्ट बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट एंड थैंकफुल फॉर द फैक्ट यू हैव अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू और ये कि जैसा कि आपने कहा यू कम फ्रॉम अ स्टेबल फैमिली और जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो जाती हैं एंड देन यू हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इमेजिन हैविंग द सेम प्रॉब्लम बट लिविंग इन थर और लिविंग इन साउथ पंजाब और लिविंग इन डीपेस्ट नेक ऑफ बलोचिस्तान देन वॉड फिर तो आपके पास ये चीज़ें भी नहीं होती सो गॉड हैज़ गिवन अ लॉट बी वेरी वेरी थैंकफुल और ये जो टूल्स हैं आपके पास इसका बिल्कुल अच्छा आप इस्तेमाल कर रहे हैं आई एब्सोल्यूटली लव द वे यू रोड द ई मेल क्योंकि जो बहुत सारे एबल लोग हैं उनकी ईमेल भी मैंने आप लोग आपको दिखाई हैं अब इसमें लोग बोलेंगे जी वो तो फिर स्पीच वॉइस असटेंट से हो रही होगी तो वो तो सारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करके देता है नेवर द लेस बोला तो इन्होंने ही होगा ना इट्स वेरी ब्यूटिफुली रिटर्न एंड आई एम रियली हैप्पी टू रीड दिस ई मेल बहुत सारे लोग जो कि Uh, जिनकी आँखें हैं वो इतनी अच्छी ई नहीं लिख पाते तो क्यूडो डो यू मैन यूर डूइंग वंडरफुल फॉर अ सेवेंटीन ईयर ओल्ड आई रियली लाइक सींग योर मार्क्स मार्क्स भी आपके अच्छे आते हैं तो आप तो बहुत सौ से बहुत आगे पहले से ही हो सो डोंट लूज़ होप चैलेंजेस होंगे ज़िंदगी में वो चैलेंजेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं आपके शायद थोड़े ज़्यादा हों लेकिन उसके फिर रिवॉर्ड भी उतने ही अच्छे होते हैं और उतना ही फ्रूटफुल और उतना ही मज़ा आता है बिकॉज यू यू डेंट है इन लाइफ तो आई एम श्योर यू विकम टू ऑल दो थिंग सॉरी सकम गलत है आई एम श्योर यूल ओवरकम ऑल दिस चैलेंजेस एंड एंड अंगल इंडिविजुअल वेदर यू चूज टू लिव इन पाकिस्तान और अब्रॉड आई वुट सजेस्ट मूव आउट फैमिली की तरफ से प्रेशर होगा अगेन देर प्रोटेक्टिव है वो तो आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और वो जिंदगी भर से झेलते हुए आ रहे हैं बट यू नीड टू पेंट अ पिक्चर टू दैम के इट्स अ बेर सोसाइटी इन इन टर्म्स ऑफ वन इट कम्स टू डीलिंग विद अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन सो आई विश यू ऑल द बेस्ट अपना ख्याल रखना एंड आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू अगेन वेरी सोल थैंक यू और जी जैसे जैसे शाम के छः बज रहे हैं मुझे नींद आ रही है सो माई कोहेरेंस इज गोइंग अवे सो प्लीज़ बेयर विद मी क्वेश्चन नॉट अ रिश्ता और रिलेशनशिप क्वेश्चन ओके यू शूड फुट दैट एज अ सब्जेक्ट जस्ट टू गेन माई अटेंशन इट्स नॉट कि मैं वो सवाल लेना नहीं चाहता या वो प्रॉब्लम्स uh, जेन्यून नहीं होते uh, या ये कि लोग उस चीज़ से परेशान नहीं हैं आई एम ओनली आई जस्ट डोंट टेक सीरियस कि अगर कोई पंद्रह साल का बच्चा उसको प्यार हो गया है मैं उसको सीरियस नहीं लेता वैसे ऑफकोर्स इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ और जाहिर है इट अफेक्ट्स एवरी थिंग अराउंड यू तो प्लीज़ इसको इस तरह ना समझें कि मैं रिश्तों के या रिलेशनशिप वाले सवाल क्योंकि ये होते बहुत ज़्यादा हैं और होते बहुत आए हैं तो बड़ी मोनॉटरी हो गई थी इस so वजह से शायद मैंने कभी कुछ कह दिया हो बट प्लीज़ इस तरह वो ना डिस्करेज ना हुआ करें सार गुजुनीद भाई सॉरी फॉर द लॉन्ग यू वेल आइव बिन फॉलोइंग यू सिंस ट्वेंटी सिक्सटी एंड रियली एडमाई योर वर्क ट्राइंग टू अपलिफ्ट देंटल एप्टीट्यूड ऑफ द नेशन दो इट लुक्स लाइक अ लॉस्ट कॉज माई क्वेश्चन टूडे इज़ अ पर्सनल वन बट इम्पॉर्टेंट ऑन द लिस आई फील पीपल कैन लर्न अलाट फ्राम माई स्टोरी इन द प्रोसेस आई एम रियली होपिंग दिस ई मेल कॉसिस योर आई प्लीज़ डो नॉट रीड दी आइटम्स इन ब्रैकेट तो मैं चीज़ें ब्लैंक कर रहा हूँ कुछ आई एम एक अच्छी उम्र के साहब प्रोफेशनल हैं रिजाइडिंग इन वेस्टर्न कंट्री आई एम दौनली सन एंड नाउ मैरिड विद कुछ बच्चे हैं उनके आई केम टू द वेस्टर्न कंट्री इन यू नो समाइम बैक With my wife, after spending a good chunk of my life in Karachi, escaping halat and venomous relatives, my early childhood has been spent in the Middle East, where my dad has a decent white-collar job, as much uh, white-collar as you can be in that country, and and mother was not working; she was. A domesticated housewife. My mom and dad spent their hard-earned money on my education and expected me to be their budhape sahara. A role I'm quite happy to fulfil. When I migrated uh, to the western country uh, some years ago, I asked my parents if they would want to move there with me once I'm settled, and they gladly said yes. I had two failed stints to find a job in the Middle East, so I thought to migrate, uh, and this was the next best. As that was the next best thing, I called them on a super visa to uh, that country, and they never left since. Now, as of last month, they are alhamdulillah permanent residents, and their health checkups, hospitalization, medications are all free. Ideal story, right? Now comes the twist. My dad had a medical condition a uh, few years ago while he was here, and I had to face a lot of hardship in terms of dealing with insurance collection. Government bureaucracy. Since then, I had to spend a lot of money on my dad to keep him in that country on doctor visits and medications. I did all of this with a smile, but my dad, sorry to say, is very ungrateful. He does not value the trials and tribulations I had to go through in the past, uh, all these years, to keep him here emotionally and financially. He doesn't want to contribute to small tasks like looking after the kids, etc. Instead, he lays in bed all day as he claims he is cold so he has blanket all over the temperature of my house is heated above average so i assure you it's all in his head he doesn't want to go outside at all as he claims he is cold all the time he jumps at the opportunity to talk to his deadbeat pakistani friends and relatives on the phone with a strong macho voice but acts like sh shivered old man if I ask him to do simple, very basic tasks like watering the lawn or looking after my son. If my wife and I are busy at work. His hygiene is highly questionable as he used to take bath once in months. Oh God. This resulted in a in an extreme skin condition. Doctor said all he needs to do is bath every bathe every day, but he refuses on account of being cold. If I am too harsh on him, he says, Send me back. He says, No one to take care of him in Pakistan, and all of the relatives are deadbeats who will only entertain him if I send them the dollars. We have no property in Pakistan. My mom is happy here and gladly contributes in the housework, watching the kids, but doesn't ask my dad to shape up. She's probably fed up after all these years of marriage. When I ask him, Where will you go in Pakistan? he says, I will beg, none of your business. I wanted I wasted so much money on his stay and his immigration and since everything is done he wants to leave and go back to his deadbeat neighborhood and his deadbeat friends just to show off and act like an act like Western Return Big Shot. Few days ago I asked I asked him to bathe. In a strict language, and he threatened to kill himself by jumping off the balcony. And we had to calm him down. He doesn't want to make any friends in this country and refuses to leave the house. I'm really baffled as to what I can do. I have a big house with his own room, and there's very little we ask him to do on a day-to-day -day basis. Yet he's always picking fights uh, with the, my kids and my mom. Now even my wife has had it with his immature antics and says. सेंड हिम बैक टू पाकिस्तान इफ़ यू वॉन्ट्स टू गो एंड नेवर ब्रिंग हिम बैक ऑल रिलेटिव आर एसोल्स हु डोंट गिव अट अबाउट मी और हिम एंड देर इज नो वन हु कैन टॉक सेंस सेंड टू हिम देर इज़ अ लेसन हेयर फॉर एवरी वन हु थिंक्स दे कैन जस्ट इमिग्रेट एंड ब्रिंग देर पेरेंट्स हेयर इन द वेस्टर्न कंट्रीज पेरेंट्स आउट ऑफ देर नेचुरल हैबिटिटाट बिकम वेरी आइसोलेटेड एंड डिफिकल्ट टू डील विद थैंक्स फॉर रीडिंग वंडरिंग इफ यू हैव अ सोल्यूशन रिगार्ड्स अनोनिमस सो ये एक भाई हैं Uh, जैसे कि आपने कहानी सुनी एक वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं और uh, शादीशुदा हैं uh, साहब औलाद हैं और फिर इन्होंने पेरेंट्स को बुलाया वहाँ पे ज़ाहिर है माइग्रेट कराना आसान नहीं है स्पेशली दे देर ओल्ड बिकॉज देर मोर लाइकली टू गो यू नो ऑन वेलफेयर एंड इंश्योरेंस और फिर बड़े मसले मसाइल गवर्नमेंट ब्यूरोसी होती है uh, तो सब कुछ किया और फिर अब ये कि वाले साहब जो हैं वो घर से नहीं बाहर निकलते और बस फ़ोन पे टिपिकल एक जो पाकिस्तानी अंकल होते हैं जो कि यू नो पीछे फिर फ़ोन करते हैं लोगों को फ़रागत ये जो रिटायरमेंट वाली लाइफ होती है ना ये बड़ी बुरी होती है इसीलिए मैंने इतनी सारी वीडियोस इसी टॉपिक पे बनाई हैं कि हमारे यहाँ जो बूढ़े हैं हमारे हैं एक बहुत बड़ा मसला जो सोसाइटी की आ, जो टॉक्सिसिटी है वो बूढ़ों से आती है बिकॉज़ वो चिड़चिड़े होते हैं उन्होंने ज़िंदगी भर आ, इतना कुछ किया नहीं होता एक्सपीरियंस नहीं किया होता वो एक रन ऑफ द मिल एक रोबोट की तरह जिंदगी गुजारते हैं दैन नेक्स्ट थिंग दे नो ओ आई एम ऑलरेडी ओल्ड आई हैव डायबिटीज आई हैव ब्लड प्रेशर अब मैं क्या करूँ मैं तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं एंड देन फिर वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो फिर निकलती है बच्चों पे सराउंडिंग पे जो जो सामने होता है उस 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 गन फायर के सामने आ जाता है सो so इसी लिए मैं हमेशा कहता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओल्ड पीपल टू हैव हैबिट्स टू हैव हॉबीज़ दे नीड टू हैव देयर ओन सर्कल Um, इसलिए मैं इस बात का भी कायल हूँ कि अगर इस समबडी हैज़ लॉस्ट अ पार्टनर तो उनकी शादी करा दी जाए क्योंकि यू नो देर आर थिंग्स यू यू कैन ओनली शेयर विद योर ओन पार्टनर अब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है uh, अच्छी बात है पीपल नीड पीपल ऑल द टाइम और आइसोलेशन जो है वो जीते जी मार देती है तो इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव समी टू टॉक टू समी यू कैन शेयर योर लाइफ विद Um, इसीलिए मैं हमेशा कहा है कि जहाँ पे कपल्स जो कि बड़ी लंबी शादी होती है वैन वन ऑफ दैम डाइज दी आर दन डाइज विद इन टू ईयर्स क्योंकि वो फिर आइसोलेशन नहीं झेल पा रहे होते क्योंकि इतने साल साथ गुजारे होते हैं तो वेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हैबिट्स अब आई थिंक उनका कोई ना कोई दिस साउंडस लाइक ये जो हाइजीन वाली आपने बात की ना uh, यहाँ से इट्स साउंडस लाइक सम्रामा या सम सॉर्ट ऑफ लाइक वॉज हिज हाइजीन लाइक दिस वेन यू आर ग्रोइंग अप आपने ये नहीं लिखा कि यार सिर्फ उस मुल्क में आके हुई है कि उनको सर्दी बहुत लगती है क्योंकि ठंडे मुल्क में आ गए हैं इट कुड बी अ साइकोलॉजिकल ट्रिगर ऑफ सम सॉर्ट दैट ही इज बिहेविंग लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल वी बेद अर्सन एवरी डे तो वो एक बार आई थिंक गर्म पानी जो है विद वी विदिन रियलाइज के वो होता ना कभी कभी शावर एक्सीडेंट हो जाता है वो ज़्यादा गर्म पानी आया था, तो उसके सर पे एक बार पड़ गया था एंड देन लाइक ऑब्वियसली ही लॉस्टिज माइंड एंड देन ही क्राइड अलॉट उसके बाद से ही गॉट सो ट्रामाटाइज कि वो अगले एक डेढ़ साल तक ही वुड क्राई अगर आप उसके सर पे uh, बाल धोएँ वो तो फिर भी हमें धोने तो पड़ते थे जाहिर है साफ़ तो करने हैं मगर ये कि वो इतना ट्रामेटाइज हो गया था उस एक एक्सीडेंट की वजह से किट टूक हिम सो मच सो लॉन्ग सो आई डोंट नो इफ दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ कहीं वो डूबते डूबते तो नहीं बचे थे किसी ज़िंदगी में कहीं पानी के में कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था उनका क्योंकि तो पानी से इंसान डरता ही नहीं वजूहत से को तो फिर वो अवॉइड करता है हर सूरत में दिस इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल इशू एंड इट्स लाइक अ डीप लेवल क्योंकि आई यू टू वैन आई यूष टू वर्क इन ट्रांसक्रिप्शन एंड आई टू कवर साइकियाट्रिक uh, हॉस्पिटल तो वहाँ पे इस तरह के क्लिनलीनेस रिलेटेड बहुत हाइजीन uh, रिलेटेड बहुत इशूज़ आते थे कि लाइक like, uh, घर में बहुत गंद है एंड लाइक like, uh, कोई डर है कि पता नहीं कोई uh, जो मेरा कचरा है एफ बी आई भी पड़ रही है तो सारा कचरा घर में ही है देर आर हाउसेस लाइक दैट वो अक्सर रील्स Uh, आती हैं मेरे उसमें uh, जिसमें वो हाउस क्लीनिंग सर्विसेज होती हैं सुदेश so शो के देखें ये हम इस घर में आए हैं क्लीन करना वो घर इतने गंदे होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता उसमें वो कौन सा सोडे का कैन होता है जो नहीं होता एवरी थिंग इज़ देयर लाइक देर आर लेयर्स दैट यू वॉक ऑन फ्लोर दिखता ही नहीं है

उनके डेड बीट दोस्त ही होते हैं क्योंकि जो काम वाला है वो मसरूफ़ है उसके पास टाइम ही नहीं है राइट अब मेरे जितने बाहर दोस्त हैं मेरी उनसे इतनी ज़्यादा बात थोड़ी होती है बिकॉज मैं भी यहाँ मसरूफ़ हूँ वहाँ मसरूफ़ है बट दें जो कुछ होते हैं जिनको जताना होता है कि वो देखो मैंने जी अमरीका में ये ये बना लिया है तो पीछे वाह वाह करने वाले बहुत होते हैं क्योंकि एट दी एंड ऑफ द डे उनको फिर साइड पर मैसेज करके डॉलर भी मंगवाने होते हैं तो यहाँ पे बहुत इस तरह की फैमिलीज़ हैं जिनको उनके बाहर वाले रिश्तेदार पाल रहे होते हैं आ, या फिर अवॉइड कर रहे होते हैं इसी वजह से कि यार अभी अभी ये कुछ डिमांड करेगा ईद के आसपास मैसेज आना शुरू हो जाते हैं रमज़ान में मैसेज आना शुरू हो जाते हैं फजू एक्स्ट्रा ना मतलब दुआएं हुए हैं क्योंकि फिर वो कि जी ईद का टाइम है बच्चों की शॉपिंग है जरा अब मांगने वाला यार मांगने वाला प्रॉब्लम इतना बड़ा है मेरे इनबॉक्स में अगेन आई एम नॉट आई एम नॉट डिनाइंग डनाइंग लोगों के जेनवन ईशूज़ नहीं होते बिल्कुल होते होंगे मगर देर आर पीपल हु आउट ख़ुद जो है एप्पल का फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है लेकिन वो जो है ना पैसे मांग रहा होगा जाली चीज़ें दिखा के दो नंबर चीज़ें दिखा के आ, कल मुझे दो दिन से एक एजुकेशनिस्ट हैं पीएचडी स्कॉलर हैं और वो दो दिन से अग्रेसिवली मुझे मैसेज करे जा रहे हैं अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा नहीं काफ़ी इंटरवर्ड हूँ मैं अन नंबर नहीं उठाता तो पहले तो मैं कहता हूँ भाई प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर राइट तो उन्होंने इतना लम्बा लिखा यू नो इट इज़ माई अट मोस्ट प्लेजर टू बी राइटिंग टू यू दिस दैट ये वो और अपना तारुफ़ कराया कि मैं प्रोफेसर हूँ और मैं पी एच डी भी हूँ एजुकेशनस्ट भी हूँ ये वो और फिर ये कर ये लिखते ही फिर फ़ोन कर दिया मैंने फिर काट दिया तो मैंने लिखा प्लीज़ काइंडली स्टेट योर बिजनेस तो कह रहे नॉट अ बिजनेस मैन आई एम एन एजुकेशनिस्ट अब मैं यार ये पी एच डी का ये हाल है इसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कह रहा हूँ भाई आपका काम क्या है खैर दो नंबरों से वो लगे हुए अग्रेसिवली आर टू ब्लॉक है फिर उन्होंने तीसरे फ़ोन पे फ़ोन कर दिया मतलब लाइन लाइन वाले सिम पे तो फिर देन ही वॉज़ लाइक कि जी मुझे आप फ़लाने साहब का नंबर दे दें आपने उनका इंटरव्यू किया था वो तो बड़े पैसे वाले हैं तो मुझे उनसे ज़रूरी काम है ऑफकोर्स पैसे ही मांगने होंगे किसी आड़ में कि जी मैं स्कूल बना रहा हूँ मैं मदरसा बना रहा हूँ चंदा पकड़ा दें तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उमर वैद जो हैं मेरे दोस्त जो एल ए में होते हैं जिनके साथ मैंने वीडियो बनाई थी जो कि पार्ट टाइम मैंगो भी बेच रहे होते हैं तो उनका मैंने उससे पूछा उमर के हाउ वॉज द फीडबैक डिज यू सी द द्लॉग डि यू रीड द कॉमेंट्स सो इज लाइक या आई वॉज अ लॉट ऑफ गुड फीडबैक अ लॉट ऑफ रिलेटिव रीच आउट ऑफ फ्रेंड्स रीच आउट दे रियली लाइटेड हाउ एवर एट द सेम टाइम माई इनबॉक्स इज फुल ऑफ पीपल आस्किंग फॉर मनी बस देख लिया अमरीका में एक बंदा है डॉलर कमा रहा है तो हम मांग लेंगे भीख मंगे हो गए हमारे लोग और ये हमारे ये गेम शोज़ ने बनाए आमिर भाई फ़ोन दे दें आमिर भाई ये दे दें फात भाई ये दे दें भीख मंगा बना दिया जब आप गली गली में जो है ना दस्तरखान लगा दोगे और तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोगों खुददार खुददारी ख़त्म हो गई लोगों के अंदर सो एनी वे सो ये जो पीछे होते हैं ये इसीलिए एंटरटेन कर रहे होते हैं बाहर वाले बाबों को कि चलो यार पंद्रह मिनट सुन लेते हैं उसकी फिर एंड में आप अपनी फरमाइश भी कर देंगे साथ ही साथ सो नो सरप्राइज़ देयर यहाँ पे भेजेंगे तो वो अगेन वो यहाँ के तो है नहीं आप लोग तो मिडल ईस्ट में रहते थे बात सारी है कि जब आप पेरेंट्स उनकी सराउंडिंग ले लेते हैं एंड इट्स अ वेरी हार्श कॉल नो बडी वॉन्ट्स टू टेक इट बट देन समथिंग हैज़ टू बी डन सो फॉर एग्जाम्पल लाइक आई ऑलवेज से माई माई फादर वॉज टू ईर्स ओल्ड वेन ई केम टू द हाउस डेट ही लेफ्ट एट सेवेंटी टू ईर्स ओल्ड यानी सत्तर साल उन्होंने घर में गुजारे अगेन कुछ बना ही लेते हैं पता नहीं क्या किया एनी वे नो कम्पलेंट्स देर मगर ये कि उन्होंने सत्तर साल एक जगह को दिए मैं चालीस साल में पता नहीं कितनी जगह कभी यहाँ कभी कितने मुल्कों में रहता रहा हूँ सो एंड देन इवेंचुअली वो घर छोटा पड़ गया शादियाँ होनी थी सब कुछ ये वो तो वो जैसे ही हम इस घर में आए माई फ़ादर माई मदर अलहदुल्ला देन दे वर नेवर ऑन एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन यहाँ आते ही एक को डायबिटीज़ हो गई एक को ब्लड प्रेशर हो गया वाई बिकॉज उनकी सराउंडिंग छीन ली एंड देन देर आइसोलेटेड दे फील लोनली बच्चों के लिए कर तो लिया मगर ये कि वो एक दूसरे को ही देख रहे होते यार क्या है ये सो आई इट एंड उसी वजह से मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी एक बार और इट्स अ टफ़ कॉल छोड़ भी नहीं सकते वहाँ पर उनको देखभाल कौन करेगा तो वो फिर पेरेंट्स ना फिर वो एवेंचुअली बाग़बान ही बन जाता है वो बाग़बान इस मामले में बिल्कुल सही फिल्म थी वो फिर औलाद के ऊपर होता है अच्छा हम यहाँ रह लें फिर हम यहाँ रह लें इसलिए अपना इतना बनाओ कि ना फिर एंड में बच्चों के उस पर ना कि बच्चे फुटबॉल कभी यहाँ कर, कर दिया कभी वहाँ कर दिया फिर बच्चों, बच्चे बच्चे उधर माँ बाप ही होते हैं जो आठ आठ बच्चे पाल लेते हैं आठ बच्चे मिलकर दो माँ बाप नहीं पाल पाते ये हकीकत है इस दुनिया की क्योंकि उनकी अपनी फैमिलीज़ आ जाती हैं वो फिर आगे देखते हैं वो फिर पीछे नहीं देखते वो कहते हैं हाँ ठीक है आ, है, है इज़्ज़त करते हैं सब कुछ ख्याल करते हैं लेकिन यार अब फोकस इन बच्चों पर इसी तरह दुनिया इसी तरह आगे बढ़ी है तो अपना ही ऐसा हिसाब किताब करें कि लोगों पर रिला ना करने पड़े आपके आगे पीछे लोग हों ख्याल रखने वाले Uh, यह इतना हिसाब किताब हो कि आप खुद ही अफोर्ड कर सकें किसी पे डिपेंडेंट ना हो तो अब जैसे कि उनका माहौल आपने जैसे खुद कहा कि उनका माहौल छिन गया है सो नाव देर बींग लाइक दिस अब वो बाहर क्यों नहीं जा रहे ये उनको उनका कोई इंटरनलाइज कॉम्प्लेक्स है कि मैं बाहर लोगों से मिल नहीं पाऊँगा या मैं उनसे बात नहीं कर पाऊँगा इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द काइंड ऑफ पर्सनलिटी योर फादर हैज़ आई आई थिंक दिस 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 इज़ अ वेरी इनकम्प्लीट ई मेल बिकॉज दिज आर ऑल पर्सनैलिटी ट्रेट्स ट्रिगरिंग फ्राम सम सॉर्ट ऑफ ट्रामा कि वो लोगों से नहीं मिल रहे या फिर uh, ना नहाने वाली बात ये ये सारी चीज़ें कोई ट्रामा है या क्या है यही कब से चलता हुआ आ रहा है सो यू नीड टू एड्रेस दिस फर्स्ट थिंग फर्स्ट और रही बात यह कि वो बिल्कुल घर में हेल्प नहीं करते ये आर फादर्स अकेम नॉट जस्टिफाइंग हमारे मर्द जो है ना इंक्लूडिंग मैसेल वो नवाब ही होते हैं कि भाई खाना ला दो चाय बना दो ये कर दो वो कर दो हमने करवाया ही होता है ज़िंदगी भर करने वाले बहुत कम होते हैं कि वो खुद ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लें कोई चीज़ करें कोई काम करें और ये कि बच्चों का ख्याल ना रखना ना देट इज़ रूड आई अंडरस्टैंड क्योंकि हमारा बच्चा भी नर्सरी में जाता है और बाहर मुल्कों की नर्सरीज़ या किन्ंडर या फिर ये आपकी बेबी सेटिंग ये बहुत महंगी पड़ जाती है एंड दिस इज़ वेयर ग्रैंध पेरेंट्स कम इन प्ले अगेन नॉट फ्राम द स्टैंड बोर्ड कि चल माँ बाप को हम यूज़ करेंगे इट्स लाइक अ ट्रेड आप भी तो माँ बाप का ख्याल रखी ही रहे हो ना तो अगर वो थोड़ी देर आपके बच्चे का ख्याल रख ले सो दैट मियाँ बीवी जो पाँच दिन कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं सबब में रह रहे हैं दो घंटे गाड़ी चला के जा रहे हैं बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं अगर एक दिन वो डिनर पे चले गए या एक सिनेमा देखने चले गए तो क्या ही चला जाएगा माँ बाप का अगर वो बच्चा संभाल ले बच्चे को हर जगह नहीं ले जाया जा सकता ऑब्वियसली एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कपल्स टू हैव देयर ओन डाउन टाइम एज वेल बच्चे होते रहेंगे लेकिन अपना भी डाउन टाइम बहुत ज़रूरी है वरना फिर दे फॉलो पार्ट फिर दे फील एलियनेटेड यार ये कौन है यू गैट इट यू डोंट वॉन्ट दैट सिचुएशन सो यहाँ पे अगर तो पेरेंट्स अवेलेबल हैं दे शुड बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि यार देखो बच्चा अब जस्ट बिकॉज कि फिर वो पेरेंट्स ब्लैकमेल करते हैं कि जी हमने जिंदगी भर पढ़ाया लिखाया तो आज हम पे अगर ये चार पैरासिटामोल की गोली ले लेता है कौन सा एहसान करता है अगेन यू हैविंग अ चाइल्ड वॉज़ योर डिसीशन देम हैविंग यू एज पेरेंट्स वॉज नॉट देयर डिसीशन सो इफ देयर डूइंग इट देर डूइंग इट आउट ऑफ लव वो कोई ट्रेड नहीं कर रहे ठीक है ना ट्रेड आप कर रहे हैं कि यार हमने पैदा किया है ताकि बुढ़ापे में हमें पाले वो पैदा हो के उसने नहीं डिस्चूज किया कि यार ये माँ बाप नहीं चाहिए ये चाहिए उसने बोला अब यही है अब इन्हीं के साथ करूँगा मैं तो थोड़ा बहुत अगर आप कर लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है और फिर इट इट लीड्स टू अ लॉड ऑफ़ फ्रस्ट्रेशन फिर वो जब आपकी प्रेजेंस हो घर में और फिर आपकी आ, हर काम में एबसेंस होना तो फिर बंदे को खटकता है एंड ऑफ कोर्स आपके तो माँ बाप हैं आपकी बीवी के वो माँ बाप नहीं है फॉर हर देर देर स्ट्रेंजर्स इन अ सेंस के यू uh, नो you know, उनकी जिम्मेदारी भी नहीं बनती इस्लामिकली भी अगर हम बात करें इट्स नॉट योर वाइस जॉब टू टेक केयर ऑफ देम अगर वो शी इज़ गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ़ यू तो बड़ी बात है एंड सलाम है उनको मगर ये कि इट विल स्ट्रेन योर मैरिज एज़ वेल सो इस चीज़ को फिक्स करें यू नीड टू स्कूल योर फादर एज़ वेल थोड़ा फर्मली एंड यू नीड टू I'm not gonna say threaten him, but ये yeah, कि you need to paint a picture for him. और parents की आदत होती है, हाँ मैं सड़क पे भीख मांग लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। It's very difficult to deal with. I think your father's age bracket is late 70s, early 80s. So this is when a person is also going senile. तो so वो the senses वो वाले नहीं रहते, फिर वो जिद्दी भी हो जाते हैं। I have experienced this with my parents. वन वी वेंट फॉर ट्रैवलिंग मुझे लगा था मैं बच्चों को साथ आया हूँ बिकॉज आई हैव टू लुक आफ्टर दैम एवरी स्टेप ऑफ द वे कि भाई ट्रैवल एटर में ऐसे पैर रखें बैग को यूँ करें बेल्ट बांध लें ये करें कैब में बैठना है तो इस साइड से बैठें दरवाज़ा खोलना बंद करना तो ये लाइफ साइकिल है पहले आप बच्चे होते तो फिर पेरेंट्स वो बच्चे हो जाते हैं पहले वो आपका डाइपर चेंज कर रहे होते तो हैं फिर एक पॉइंट आता है कि भाई बच्चे जो है ना बाप का डाय पर चेंज करते हैं और ये होती है स्टेज आती है इनकॉन्टीनेंस हो जाती है उनको इट्स इट्स लाइक अ दिस इज द लाइफ साइकिल सो इट बिकम्स डिफिकल्ट डीलिंग विद दोज चिल्ड्रेन बिकॉज वो फिर आप उनको एक दूसरे नज़रिए से भी देख रहे हो क्या मेरे माँ बाप है बच्चों को तो आप डांट डुपट करके स्कूल कर लेते हो बट पेरेंट्स के साथ आप नहीं कर पाते वेरी ट्रेकि सिचुएशन आई वुड हाईली सजेस्ट कि धमकी देने से फिर बात और ख़राब होगी पाकिस्तान की वट वी टेक्स इट टू हिज हार्ट एंड देन समथिंग हैपन्स ये भी एक बड़ा होता है कि यार आपने इतना बड़ा दुख नहीं देना कि वो गिर जाए फिर क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपके कहने से या आपके किसी अमल से उनको कोई फिजिकल चीज़ हो जाए कोई हार्ट अटैक हो जाए खुदा ना खास्ता या वट एवर स्ट्रोक हो जाए फिर आप ज़िंदगी भर गिल्ट में रहते हो कि यार मैं अगर बर्दाश्त कर लेता बाप पहले ही चौरासी का था कितना ही जी लेता मैं सह लेता थोड़ा सा और बट मेरे कहने से वो चले गए और वो फिर ज़िंदगी भर का गिल्ट होता है क्योंकि यार औलाद तोलाद ही होती है और बाप बाप होता है सो वेरी ट्रिकी सिचुएशन है यार अब इसमें फिर तो गोरे क्या गोरे सही नहीं करते अगेन इट्स लाइक ओपन टू डिबेट कि भाई वो अपना रहें आप अपना रहें आप नर्सिंग होम चले जाएं और बच्चे जाके विजिट कर लें आई डोंट नो मैन इसमें कौन सी साइड चूज़ करनी चाहिए बट नथिंग दैट शुड स्ट्रेन योर फ्यूचर लाइफ आपकी अपनी रिलेशनशिप आपकी बीवी के साथ भी है अपने बच्चों के साथ भी है वो फिर माँ बाप जैसे वो ख़राब हो और फिर वो ज़िंदगी भर का पेन है बच्चे अगर निगलैक्ट होते रहेंगे तो फिर बड़े हो के बच्चे बोलेंगे आपने तो हमें टेक केयर ही नहीं किया सो so, ये जो बाप होते ना ये जो बीच वाली स्टेज होती है ना ये मर्द जो है ना मर्द की जिंदगी गोल कीपर ही होता है इधर भी देखता है उधर भी देखता है बॉल कहाँ से आएगी उसी टेंशन में फिर ऑफिस की टेंशन मर्द की बड़ी मिजरेबल लाइफ होती है लोगों ने अभी बस है कि भाई मर्द तो बड़ा शर्ट उतार के घूमते हैं घर में अबे ये बस ये आज़ादी है शर्ट उतार के घूम लेता है घर में मेजरेबल लाइफ है यार बीवी को भी खुश रखना है माँ को भी नहीं दुखी देना देखना औलाद को भी देखना है ऑफ़िस की सियासत भी देखनी है ट्रैफिक भी झेलना है मेजरेबल लाइफ है यार आदमियों की सो so, या yeah, बस ये कह देना कि जी ओ दे मेक मोर मनी विच इज़ार्स खैर सो आई हैश ऑल द बेस्ट भाई मगर ये के ही नीड्स अट्रिक इंटरवेंशन मेरी नज़र में बा अगेन आई एम नॉट अ स्पेशम नॉट अ थेरापिस्ट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मगर ये जो हाइजीन वाली बात थी इट नीड्स टू भी इन्वेस्टिगेटेड कि ये कहाँ से आ रही है बाकी जो लोग इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं यू कैन गाइड ऑन द कामेंट अगेन इट इट्स इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ एस फॉर ऑल ऑफ एस ताकि बेहतर से बेहतर सोल्यूशन मिले आई विश ऑल द बेस्ट प्रो थैंक यू अरे जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्टी इन इंगेजिंग विद द पीपल हेलो चुनीत बाई होप यू डूइंग वेल प्लीज़ डोंट टेक माय नेम आई मीन माई मिड ट्वेंटी इज वर्किंग सॉफ्टवेयर हाउस आई हैव मूव टू लाहौर विद माई पेरेंट्स इन ट्वेंटी नाइनटीन बाय द वे लाहौर की एक ही सड़क पे दो सॉफ्टवेयर हाउस हैं या एक स्क्वा किलोमीटर रेडियस में दो सौ या चार सौ हैं दिस इज इन जौहर टाउन समथिंग सम बड़ी नीड्स टू वर्क ऑन दिस की क्यों हैं और ये इतना बड़ा स्पलर्च कैसे हुआ वाई इज़ लाहौर लीडिंग इन द सॉफ्टवेयर बिजनेस और इज़ इट कराची लेमिनो आई थिंक इट्स लाहौर बिकॉज या तो शायद मैं लाहौर में जिन लोगों के साथ होता हूँ उनका टैक्स से ताल्लुक़ है तो मुझे शायद ज़्यादा नज़र आता है टैक् यहाँ पे My problem is that I've uh, realized that despite having a great deal of knowledge and experience, I cannot engage in conversation and discussions no matter how hard I try. I also mumble sometimes or speak too fast when I speak, which has also made me lose confidence. Most of the time, I can't express what I want to say. For for that, I have seen many people ignoring what i'm talking about i have witnessed my friends avoiding me since school no matter how hard i try to open up a conversation i'm in their trust and they have never treated me disrespectfully but i constantly feel like they become tired or bored of me which is just heartbreaking it's been happening since the beginning i felt like they don't actually appreciate my company maybe i'm not funny or i don't like to do gossips from my previous office, I made two friends, one male and one female. At first, we were great friends, and I began to have uh, feelings for that guy, uh, but I kept quiet after a while. Those feelings grew stronger. I tried not to feel them, but I couldn't. After that, I realized they had become too close to each other and I felt left out. During that, four more people joined our group, however, they both became too close. वेल आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड कन्वर्सिंग विद अदर्स आई रियलाइज आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एंड कीन एज दैम दे आर ऑल वेरी नाइस पीपल येट दे बिकम बोर्ड विद मी आई ऑफन ट्राई टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन होपिंग टू बी फनी बट आई कांट माई फैमिली रीलोकेटेड टू द सिटी डू टू माई फादर्स जॉब बट आई हैव टू लीव माई ओल्ड फ्रेंड्स बिहेंड सो दे आर माई ओनली फ्रेंड्स राइट नाउ बट द पॉइंट इज इट्स बिन अकरिंग टू मी सिंस स्कूल आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट मुझे अच्छी तरह याद है मेरे होते हुए अगर कोई दूसरी दोस्त बन गई तो मुझे छोड़ देते हैं इवन इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ये तो मेरे साथ भी होता है आई आई एम ऑलवेज कनेक्टिंग पीपल सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ फ्रेंड एंड देन आई हैव अनदर फ्रेंड एंड आई फील लाइक के आर ये एंड दिस पर्सन हैव अ लॉर्ड ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट सो आई वुड मेक श्योर कि दे गेट टू नो ईच अदर एंड इवेंचुअली मैं ही एकक्वेशन से आउट होता हूँ बट इट मेक्स मी सो डिप्रेस दट दीज थिंग्स आर हैपनिंग टू मी आई हैड टू लीव दैट जॉब ड्यू टू सम इशूज एंड ज्वाइन अन अदर ऑफिस वेर आई एम एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग द गर्ल This, the girl used to be my friend but she now hangs out with the new girl and ignores me this is considerably harder to describe judith by i enjoy adventures learning new things and socializing with friends I'm not sure where I'm lacking I understand that it is not my responsibility to make everyone happy yet it makes me sad to learn that others are bored with me I could clearly see it I once asked a friend to accompany me to an event and she said Agar baaki sab to chalte hain, aise maza that made me really angry it is increasingly difficult to ignore I'm doing everything I love my friends and they are aware of this my father wants me to go abroad for masters but I'm terrified of what will happen if the same thing happened happens there please advise me what to do or how to avoid feeling these things because i have seen this happening to me that jab dil bhar gaya ki tarah be diya aur jab help ki need hui to phir mujhe yaad kiya even after that guy and watching him get closer to another girl and getting away from me i was there for him every time i helped him took stand for him when he almost lost his job and i remember that one friend refused to help me help him due to her reason. i know i don't need this guy in my life and i have to focus on my career but i feel too much hard. Uh, i don't have any issues with that uh, girl. Uh, maybe i shouldn't if they are in relationship too but what whenever if i got to know that they are in relationship i know it will break my heart because i feel very disrespectful and left out but i can't do anything. i haven't told that guy about my feelings because I think he only considered me as a friend and maybe he rejected rejects me. Sorry for the long email. So सो uh, जैसा कि आपने सुना ये एक uh, लड़की हैं जिनको ये ये प्रॉब्लम्स हैं उनको लगता है कि उनसे लोग bore हो जाते हैं या फिर ये कि वो उनको छोड़ देते हैं और group से अलग कर देते हैं या basically कटा देते हैं uh, ये problem रहता है बहुत से लोगों को अब इसमें होता ही ये है कि uh, you know when you try to win someone's approval यू गेट रियली रियली एक्साइटेड बिकॉज यू ट्राई टू हार्ड एंड वेन यू ट्राई टू हार्ड ए अदर्स कैन सी कि यूर ट्राइंग टू हार्ड तो फिर अगला जो है अपने आप को थोड़ा पेडिस्टल पर देखता है एंड देन ऑफकोर्स दे डोंट ट्रीट यू वेल इसमें बेहतर यही होगा कि आप ये जो इतने फम्बल्स कर रही हैं इतनी मिस्टेक्स कर रही हैं वो इसली बिकॉज मे बी यूर यूर यू आर स्पीकिंग आउट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट एंड यू आर ईगर टू विन देयर अप्रूवल सो जब आप वैलिडेशन किसी और के हाथ में देते हैं जब वैलिडेशन सीख कर देते हैं तो आप पावर किसी और के हाथ में देते हैं जब वेन पीपल रियलाइज़ के दे है पावर टू अब्यूज़ यू दे अब्यूज़ यू इट्स ए वेरी वेरी नेचुरल थिंग टू डू सो आई वुड इन योर केस देखिए साइलेंस जो है ना वो साइलेंस इज़ लाउडर दैन वर्ड्स समटाइम्स नॉट आंसरिंग इज एन आंसर इट सेल्फ मैंने ये सीखा है कि Uh, पहले तोलो फिर बोलो वाली बात है कुछ लोग बहुत बातूनी होते हैं मैं आपको नहीं जानता मुझे आप मैं आपके बारे में नहीं कह रहा मैं जनरल एक बात कह रहा हूँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं एंड देन इट कम इट गेट्स टू द पॉइंट ऑफ अनोयस और फिर फिर लोग कहते हैं कि यार ये पकाता बहुत है तो सोचें कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि यू यूर जस्ट टू वे टू टॉकेटिव अगेन बींग टॉकेटिव इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बींग इरेलीवेंट इज अ इज़ अ प्रॉब्लम तो अगर आप कोई रेलिवेंट चीज़ पे बात नहीं कर रही एंड यू जस्ट लाइक बीटिंग अराउंड द बुश और मे बी योर गॉसिपिंग एंड मे बी सम पीपल डोंट लाइक दोज थिंग्स तो ये भी एक वजह हो सकती है बहुत सारी वजह एक बहुत बड़ी वजह है अगेन आई डोंट नो यू मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट पीपल नीड टू नो दिस हाइजीन इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू लोगों में इट कुड बी बॉडी ऑर्डर इट कुड बी औरल इट कुड बी एनी थिंग तो so, बहुत सारे लोग अवॉइडेड भी हो जाते हैं बिकॉज हम मुंह पे बोल नहीं पा रहे होते कि यार तुमसे बड़ी स्मेल आती है या जो दिस दैट वट एवर बहुत से लोग एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा एवरी टाइम वन सम ऑफ़र्स यू अ गम जस्ट टेक इट क्योंकि वो आउट ऑफ पोलाइटनेस ही आपको दे रहे होंगे दैट दैट कुड कुछ लोग वैसे ही खुद खा रहे थे तो आपको भी ऑफर कर दी हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इसीलिए ऑफ़र कर रहे हैं कि आपके मुंह से बदबू आ रही है बट कभी कभी दिस इज़ लाइक द मोस्ट पोलाइट वे टू टेल सम बहुत सारे फैक्ट हाइजीन इज इज़ अ बिग बिग इशू तो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी अवॉइड करने लग जाते हैं सो पीपल नीड टू लुक इन टू दैट मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं कह रहा मैं वैसे जनरल एक बात कर रहा हूँ वट वट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू सी स्पीच थेरेपी यू नीड टू सी अ स्पेशलिस्ट अबाउट इट कि ऐसा क्यों होता है Uh, why are you? Why is it happening with you? Why are people leaving you behind? Um, again, in this, you this also happens that those know, who were not loved enough or were not hugged enough, then they apna jo validation in others. And because they were not given that love, that kindness, that fondness. तो फिर वो बहुत ज़्यादा ईगर हो जाते हैं एंड देन इन परसू इन परसूट ऑफ दैट वैलिडेशन दे दे एंड ऑफ फम्बलिंग अलॉट दे एंड अप मेकिंग अलाट ऑफ मिस्टेक्स एंड फिर वो उसका रिजल्टेंट फिर ये होता है कि फिर देन आप एक स्पायरल में फंस जाते हैं कि आपको लगता है बंदा मुझसे दूर जा रहा है देन यू ट्राई इवन हार्डर एंड देन यू फक अप इवन मोर एंड देन वो और दूर चला जाता है एंड देन इवेंचुअली दोज पीपल लीव यू सो दैट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न के योर वे टू ईगर

And speak only relevant things. Also, you need to find uh, a group uh, where your inputs are valued, where, where your thoughts are valued, where your company is being valued. Baki, in order to have more substance uh, uh, in your speech, uh, one way to do is you need to read a lot. You need to learn a lot of things. wo feels field se relevant ho ya na ho, it adds more value to your character. वो कहते ना नॉलेज इज पावर वो ऐसे ही नहीं कहते आई uh, मीन I mean, मेरे पास कोई ख़ास कोई डिग्री नहीं है बट लाइक इफ इफ हंड्रेड थाउजेंड पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो और माई अदर चैनल इट्स प्रॉब्ली बिकॉज आई हैव ट्राइड टू लर्न मोर एंड मोर विदाउट एनी हेजिटेशन के यार ये रेलिवेंट है नहीं है uh, चीज़ें काम आ जाती हैं सो सो मेक श्योर यू यू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स अ लॉट ऑफ़ uh, introspect is also very important. I would suggest के you need to see a a a, a therapist चाहे वो speech therapist हो या वो consultant हो. I think a lot of this is stemming from the fact के you're trying too hard. वो well, कुछ लोग होते हैं दे दे आपने भी वो वो फिल्मों भी देखा होगा. I think cruel intentions में भी ऐसा ही था या किसी वो जो एक typical college की एक फिल्म होती है where द्रोटैगनिस वो मोटे चश्मे वाली लड़की होती है शीश इज ट्राइंग टू हार्ड एंड नो बडी लाइक सर उसको चौक भी मार रहे होते हैं दिस डार्ड बिकॉज शी इज़ वे टू ईगर तो जब आप बहुत नीडी होते हो ना तो फिर अगले आपको जूते की नोक पर ही रखते हैं सो यू डोंट नीड टू कम अक्रॉस हेस नीडी यू नीड टू कम अक्रॉस हेस कि मैं मैं अपनी फेवरेट हूँ यू नो फुलफिलमेंट जब आपके अंदर से होगी ना कि यार मैं अपने लिए बहुत हूँ मुझे दूसरों की ज़रूरत नहीं है तो देट्स वेन पीपल नेचुरली गेट अट्रैक्टेड किया इसमें ऐसा क्या है कि इतना कॉन्फिडेंट क्यों है राइट कॉन्फिडेंस इज़ द की और दिस इज़ कम कमिंग फ्रॉम देखो लैक ऑफ़ कॉन्फिडेंस में या तो लोग बिल्कुल ही मम हो जाते हैं या फिर वो ज़्यादा बोलते हैं नाप तोल तभी होता है और तोज़ुन ज़िंदगी में तभी होता है जब आपको पता होता है वेन यू नो कि मैं इस सिचुएशन को किस तरह मैंने डील करना है वेन यूर नॉट ईगर जैसे एक पॉडकास्ट है इस मुल्क में उसमें होस्ट की कोशिश ये नहीं होती कि जो सुन रहा है मैं उस थॉट से एक चीज़ कनेक्ट करूं और अगली थॉट पे जाऊं उसकी सारी ईगरनेस होती है कि मैं जोक का मारूँ ताकि ये वायरल हो कॉन्टेंट सो सो वो पॉडकास्ट नहीं होती वो एक जोक सीकिंग अपॉर्चुनिटी चल रही होती है सो अगेन डोंट ट्राई टू हार्ड जस्ट बी काम एंड कम्पोज इन योर ओन पर्सनैलिटी हैव मोर कॉन्फिडेंस अगेन ईजियर सेट दैन डन अब आप जितना इसको सर पे लेंगी आप चीज़ें उतनी स्पायरल होती रहेंगी आप एक पूल में फंस जाएंगी और चीज़ें बुरी से बुरी होती जाएंगी और यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस के वन पीपल वन यू लूज़ पीपल इट्स एक्चुअली देम हु लूज यू बिकॉज यू आर फार मोर कम्पोज एंड फार मोर सॉर्टेड इन योर हैडन देवर दे विल एवर बी रही बात यह कि आपकी फ़ीलिंग्स हैं किसी के लिए अगर आप कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो कर लें बट मैं तो कहता हूँ कर लें क्योंकि ट्राइंग एंड फीलिंग इज़ बेटर देन फीलिंग टू तो ट्राई कोई इसमें ज़्यादा सारा नो होगा नो होगा तो सह लेना दो दिन रो लेना तीसरे दिन फिर हंस लेना कुछ नहीं होगा इस चीज़ों को आ, सर पर सवार ना करें जनरल नॉलेज बढ़ाएँ हॉबीज़ बढ़ाएँ यू नो अपने अंदर ना आप वैल्यू एडिशन करें ताकि लोग ख़ुद अट्रैक्ट हों आपकी पर्सनैलिटी से और जब मैंने एक चीज़ नोटिस की है पीपल हु हु नो अ लॉट ऑफ थिंग्स और पीपल हु एग्जूड अ लॉट ऑफ वैल्यू तो उनकी एक एक और ऐसा बन जाता है कि लोग नेचुरली ग्रेविटेट करते हैं इंसान जो ना प्लैनेट्स की तरह होते हैं कुछ का एन्वायरमेंट हैबिटेबल होता है आ, इतना अच्छा होता है कि दूसरी स्टार्स भी आके और मूनस आके आस पास ग्रेविटेट करते हैं कुछ का इतना टेरेन इतना ख़राब होता है एटमॉस्फेयर इतना ख़राब होता, होता, होता है कि रिपेली होते सारे सो so, आप जब अपने अंदर से खूबसूरत होंगी हर लिहाज से राइट right? फुलफिल्ड uh, होंगी नॉलेजबल होंगी वेल well इक्व्ड होंगी तो आपका और ही डिफरेंट होगा यू वुड वॉक डिफरेंटली यू वुड टॉक डिफरेंटली एंड यू वुड चूज़ टू टॉक डिफरेंटली एंड यू वुड चूज़ वेन टू सेन नाट टू सेट्स द होल पावर देखें बोलना सबको आता है किस वक्त क्या बोलना है असल चीज़ ही वही होती है दिस वे पीपल गो रॉन्ग दे एंड अप सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे डोंट मीन वो कहते हैं ना गुस्से में कभी कुछ बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि बिकॉज यू आर ड्रिवन बाय इमोशंस और फिर उसमें आप कुछ भी बोल दोगे सिमिलरली वेन यू आर सीकिंग अप्रूव पीपल्स अप्रूवल आई एम नोट ग लाई आई वॉज द सेम पर्सन नॉट सो लॉन्ग अगो हर मतलब ये सीख करना कि यार अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा या आई नीड टू बी फनी आई नीड टू बी दिस क्योंकि मैं बस फिट इन हो जाऊँ किसी तरह अल्ली वल्ली मर्ज़ी है भाई आने वाले को रोको नहीं जाने वाले को टोको नहीं ये ज़िंदगी का फंडा बनाए ज़िंदगी में बहुत पीस आ जाएगा वरना फिर आप वो लोगों के पीछे भागते रहेंगे लोग आगे भागते रहेंगे अब मैं यहाँ पे सिद्दीकी वाली मिसाल तो दूँगा नहीं कि वो मक्खी की तरह होते हैं और वो मतलब हाथ मारोगे तो भागते रहेंगे आप आराम से बैठ जाए तो ग्रेविटेट करेंगे खैर टू विच देर ओन मगर ये कि प्लीज़ डो नाट चेज़ पीपल लेट देम चेज यू आप उतनी ही वर्दी हैं जितना uh, आपको लगता है कि दूसरे हैं सो so, आप किसी से कम नहीं है और ये तभी आएगा जब आपके अंदर अब कॉन्फिडेंस होगा नैचुरल कॉन्फिडेंस होगा यू कॉन्ट फेक दिस थिंग्स फेक करेंगे वो फेक इट टिल यू मेक इट इस नहीं चलता यू इट नीड्स टू बी एग्जूडिड वो कहते ना कि बोले बगैर आपकी चार ढाल आपकी बात कर रही हो सो दिस इज़ वाई दिस इज़ वाई मैन लाइक लग्जरी वॉचेस बिकॉज

सो डोंट वरी ये होता है ये फेस सब पे आता है इट्स स्टेमिंग फ्राम ऑफकोर्स लैक ऑफ लव लैक ऑफ अटेंशन विच इज वाई यू सीकिंग एल्स वेयर विच इज वाई यूर सीकिंग इट सो फियर्सली सो बी ईजी बी काम चिल करें लाइफ में कुछ नहीं हो रहा किसी के आने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा और किसी के जाने से भी कुछ नहीं होता वो ऑक्सीजन नहीं है यू विल स्टिल लिव तो अगर आपके ग्रुप वाले अलग हो गए let them be happy but make sure uh, you work on yourself so good so well and then they start feeling yeah, we shouldn't have done this so make sure but again uh this energy because you want to feel better and you want to explore more and you want to uh, you know excel within yourself so do that work on yourself थैंक यू और जी एक ई मेल रहती है बट मुझ में हिम्मत नहीं रहती है सो आई थिंक वी नीड टू स्टॉप हेयर थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑल द कामेंट्स सब्सक्रिप्शन एंड स्पेशली पेट्री ऑन पे सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में विद अदर सेट ऑफ क्वेश्चन तब तक ख्याल रखिएगा और फीडबैक देखना नहीं भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब उदाफ़